We're live, Zishan. Assalamu alaikum, everyone. So we're live. Aaj ka session jo hai, wo O and A levels ke upar hai. O and A levels jo hai, wo किस तरह आपको हम हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर प्रॉस्पेक्ट. उसमें जिशान, मिस्टर जिशान अख्तर जो हैं वो हमारे एकेडमी के रजिस्ट्रार हैं. ही विल गाइड यू फर्दर. और जिशान, ओवर जिशान भाई, ओवर टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. अल्लाह तबारक व तआला की आयात पढ़ने के बाद तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और तमाम हमारे व्यूवर्स को अनाफे के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद. इस आज का जो लाइव सेशन है वो इसलिए यूनिक है क्योंकि इसमें ओ लेवल, ए लेवल एकेडमी के अलावा ब्रिलियम और उसके साथ साथ क्या है डेवोप्स के वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि यूसुफ भाई पहले कुछ इब्तदाई कलमात अन्नाफे एकेडमी के बारे में बता दें आप लोगों को, आज की मीटिंग का प्रोसीजर बता दें, उसके बाद यूसुफ भाई इंशाल्लाह ताला मैं ओ लेवल की एकेडमी और प्रीलियम के बारे में बता दूंगा बहुत मुख्तसर इंशाल्लाह ताला, फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे. आपकी क्या राय है यूसुफ भाई? जी बिल्कुल जीशान भाई, इसमें यह है कि हमारे पास जो अन्नाफे है, अन्नाफे देखिये अल्लाह का नाम है, इसका मकसद, इसका मतलब है लोगों को फायदा पहुंचाना. हम यहाँ पर बैठे हैं आपको ये बताने के लिए कि ओ एंड ए लेवल्स के साथ आप हमारे ट्रैक्स को लेके किस तरह अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. देखें, जेनेरिक एजुकेशन पे जाना बहुत से बच्चे कर रहे हैं और वो पढ़ भी लेते हैं, ग्रेड्स भी ले लेते हैं, लेकिन अगर वो ये चीज जो हम ऑफर कर रहे हैं तो वो ना तो वो अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रिलियम असेसमेंट है जिसपे जिशान भाई अभी बात करेंगे उस पे अपने हैंड्स ऑन काम सीख सकेंगे, उस पे प्रैक्टिस कर सकेंगे, एक रियल सिनेरियो आपको दिया जाएगा उस पे काम सीखेंगे, उसके अलावा स्किल्स पे काम करेंगे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप को इस तरह लेके चलना कि पढ़ाई के साथ साथ वो चीजें देखी जाएं जिनमें जॉब्स हैं. क्योंकि देखें, मकसद पढ़ाई का होता है एक तो अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को लेके जाना आगे के मैं जरिया माश तलाश करूं और आगे निकल सकूं, इंडिपेंडेंट हो सकूं. तो हम इस चीज में आपको हेल्प करते हैं. तो पहले हम आपको ओ एंड ए लेवल्स एकेडमी का बताएंगे. अन्नाफे के 7 ग्रुप्स हैं जिसमें से ओ एंड ए लेवल ग्रुप्स ग्रुप है उसको जिशान भाई लीड कर रहे हैं, वो आपको इसमें फर्दर बताएंगे. उसके बाद करियर एडवांसमेंट ट्रैक के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज, स्टूडेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत है ऐसे लोगों की, ना स्टूडेंट्स को जरूरत है ऐसी चीज समझने की रादर देन टू बिकम अ जेनेरिक स्टूडेंट. तो जिशान भाई, इफ यू लाइक टू स्पीक अन्नाफे ओ एंड ए लेवल एकेडमी का, ब्रिलियम असेसमेंट का क्या है इसके बारे में फिर बात करें, इसके बाद इंशाल्लाह आप आगे लेके चलेंगे एडवांसमेंट का. यूसुफ भाई, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा कैट और डेवॉप्स के बारे में जस्ट थोड़ा सा बता दें, फिर मैं इंशाल्लाह ओ लेवल शुरू करता हूँ. वो आप बहुत अच्छा करते हैं माशाल्लाह. जी, करियर एडवांसमेंट ट्रैक जो है, करियर एडवांसमेंट ट्रैक अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी. करियर एडवांसमेंट ट्रैक जो है ये एक ऐसी चीज है जो आपको फायदा पहुंचाएगी इन टर्म्स ऑफ स्किल्स. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जब इंटरनेट आया लोगों ने बात की कि जी इंटरनेट तो एक ऐसी चीज है वो हमें तो नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, ठीक है. लेकिन जब हमने बात आगे शुरू की कि इंटरनेट क्या है, उससे लोगों को क्या फायदा होता है और वो किस तरह लोगों को आगे लेके चले जाएगा,
इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट, तो वो हम आपको यहाँ बताएंगे। अब देखें करियर एडवांसमेंट ट्रैक जो है ना, उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये देखें आप डिविजन देख सकते हैं, ठीक है। ये डिविजन क्या है, ये डिविजन ये है, क्वाड्स, क्वाड्स इज साइबर डिफेंस, यू फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी, बी फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स, एंड एस फॉर स्काडा। इसमें डेटा साइंस इन आर है, पाइथन में भी हमने ऐड कर दिया है, इन फ्यूचर आपको ये नजर आएगा। सिसऑप्स है, गनीमा लैब्स है, गनीमा लैब्स में जितना काम आप यहाँ पढ़ेंगे उस पर आप चीजें सीखेंगे। उसके बाद ई मैथ है, ई मैथ में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पे जो चीजें होती हैं और जो मैथ्स रिक्वायर्ड होती है उसके लिए उस पर बात की जाती है, उस पर सिखाया जाता है। लिंक्डइन टू बिल्ड अप योर नेटवर्क और किस तरह आपको कंपनीज अप्रोच करेंगी। देखिए हम आपका पोर्टफोलियो ऐसा बना देंगे एज अ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं हुआ, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर जब आप ये देखेंगे कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है एज एन ओ एंड ए लेवल स्टूडेंट, तो आप पहले ही एक स्टैंड आउट ऑप्शन बन जाएंगे। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमने आइट्स रखा है और इसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस पर बात की जाएगी, इस पर बात की जाएगी कि करियर एडवांसमेंट ट्रैक के अंदर ये चीजें हैं, इसको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट, जिस तरह जिशान भाई ने कहा DevOps, DevOps में देखें आपको अगर डेवलपमेंट करनी है किसी एस्पेक्ट, डेवलपमेंट चाहिए आपको, ठीक है, कंपनीज हम कहते हैं जी वी हैव टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो वहां पे DevOps के लोगों के काम की जरूरत होती है, DevOps के स्किल्स चाहिए। तो करियर एडवांसमेंट ट्रैक आपको वो चीजें सिखाएगा जो इस वक्त दुनिया में जिसकी जरूरत। जहां तक रही बात कि हम अगर आप कहें कि जी ये तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, ये कहीं अवेलेबल नहीं है जो हम करवा रहे हैं, क्योंकि मैं जो बात अभी करूंगा वो आप सुन के हैरान होंगे, हम आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं, हम आपको यहाँ पे वो चीजें नहीं पढ़ाएंगे। कोई कहे जी ये तो यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, ये क्या बात हुई, हम तो यूट्यूब वाली चीज करवा ही नहीं रहे, आप जाएं टाइम वेस्ट करें यूट्यूब पे, ठीक है, आपके घंटों जाया होंगे, ठीक है। द पॉइंट इज हम आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं, जॉब आप सर्च करते हैं, पढ़ लेते हैं, आप डिग्री भी ले लेते हैं, जब आप जॉब सर्च करते हैं देखते हैं कि ये चीजें चाहिए आपको, वो नहीं आती होंगी, हम आपको वो करवाएंगे। तो करियर एडवांसमेंट ट्रैक ये चीज करवाता है। DevOps की इन्होंने बात की, DevOps इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग और स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी मैथमेटिकल स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट निशान भाई to elaborate what is O&K Levels Academy at ANAFE, फिर उस पर career advancement track की further जो division है, उनके courses हैं, वो आपको दिखा दी जाएं। Please दिशान भाई। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। मैं अपने viewers के साथ एक बहुत अजीब सी चीज, जो मैं समझता हूँ कि एक अजीब है, अजीब इसलिए इंसान की समझ में वो नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कहफ में इरशाद फरमाया, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو کچھ اس وقت موجود ہے اس سب نے بنجر زمین بن جانا ہے، چاہے کوئی مال ہو، چاہے کوئی بڑی بلڈنگ ہو، چاہے کوئی گھر ہو، میرا گھر جس میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، میری کرسی جس پر میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اتنی عجیب چیز ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا تو ہمارا مقصد کیا ہوا پھر دنیا میں، یعنی ہم جو نوکری کر رہے ہیں، ہم جو جابس حاصل کریں گے، ہم جو اسکلس حاصل کریں گے، یا ہم جو بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے، وہ سب تو اللہ تعالیٰ بنجر میدان کر دیں گے، تو کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہمارے پاس اپنی زندگی کا صرف ایک مقصد آ جائے گا، وہ ہے لوگ، انسان جب تک اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک وہ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائے۔ یہی ANAFE کا موٹو ہے، ANAFE کی بنیاد یہی چیز ہے۔ یوسف بھائی کیا میری اسکرین ویزیبل ہے؟ جی شان بھائی، ویزیبل ہے۔ تو میں اپنے تمام ویورز کو ANAFE کا جو
मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अन्नाफे ओ एन ए लेवल अकेडमी एज यू सी दैट इज इट्स अ सब्सिडरी और अ ब्रांच ऑफ अन्नाफे.com अन्नाफे इज अ बिग प्रोजेक्ट एंड अन्नाफे ओ एन ए लेवल अकेडमी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अन्नाफे एजुकेशन. सो द मोटो इज वेरी विजिबल, लेट्स एजुकेट द वर्ल्ड टू मेक इट अ बेटर प्लेस. ठीक है, अंटिल जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वा इन्ना लजाइलून मा अलैहा सुईदन जुरुजा, जब तक अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन को बंजर मैदान नहीं कर रहे हैं, हमने इस जमीन को अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के लिए एक बेटर प्लेस बनाना है, और वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है. आज हर आदमी परेशान है, जैसे यूसुफ भाई ने भी फरमाया कि पढ़ाई करने के बाद जॉब के लिए लोग मुश्किलात उठाते हैं. उर्दू में इसके लिए एक मुहावरा है, ठोकरें खाना. तो ठोकर खा खा के लोग संभलते हैं. ठीक है, शेख सादी ने भी फरमाया था कि बार बार ठोकरें खाने वाला आदमी उठने के काबिल नहीं रहता. ठीक है, एक मरतबा जो है गिरने वाला आदमी संभल सकता है, लेकिन बार बार गिरने वाला आदमी, बार बार ठोकरें खाने वाला आदमी उठने के काबिल नहीं रहता. तो अगर स्टूडेंट्स बार बार ठोकरें खाएंगे तो फिर वो मायूस हो जाएंगे. अन्नाफे के प्लेटफॉर्म पे उन्हें बार बार ठोकरें खाने की से नहीं गुजरना पड़ेगा. बिकॉज द फोकस इज ऑन द प्राइम सो इज लेट्स एजुकेट द वर्ल्ड टू मेक इट अ बेटर प्लेस एज एजुकेशन बेनिफिट्स ऑल. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अन्नाफे इज वेरी क्लियर, इट्स अ कंपनी विद अ फोकस ऑन एजुकेशन, वेलबींग एंड रिन्यूएबल एनर्जी. यूसुफ भाई, आपसे मेरी दरखास्त है कि अगर मेरी स्लाइड मूव ना करें तो फिर प्लीज मुझे आप इन्फॉर्म करें. मिसाल के तौर पर अगर मैं फाउंडर्स के बारे में बता रहा हूँ और अगर फाउंडर्स की स्लाइड नहीं आ रही है तो फिर आप मुझे बताइए कि जीशान भाई ये वाली स्लाइड नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है. प्लीज जज़ाकअल्लाह. सो द फाउंडर्स ऑफ अन्नाफे आर थ्री पीपल, मोहम्मद फैसल, डॉक्टर असद जमान एंड इशराक अंसारी. द मैनेजमेंट इज नाउ कंप्राइज ऑफ सिक्स पीपल एंड अन्नाफे इज अ बिग ग्रुप कंटेन्स 7%. They all are running. And Annafe College of Emerging Sciences is our future product. Annafe College of Emerging Sciences is linked with Annafe O and A level academy in a way that you can study O or A level courses along with CAD programs and go to the UK to study IFY, that is International Foundation Year, plus your bachelor degree, plus your master degree. We recommend that you merge O or A level with CAD. So what is CAD? CAD is will be discussed by Yusuf Bhai later on, but my responsibility is to inform you that you can earn while you study. If you are a student and you want to earn money, join CAD. So this presentation has various parts. The part one is about Annafe O and A level courses. It is recommended by the British Council that you must go to online resources, and Annafe covers not only the online videos but online assessments and online the communication to parents and students too. The subjects we are offered are listed here, and we provide you state of art learning management. Recorded lectures will be provided. Students will have a live session on fortnight basis with the teacher. Notes will not be provided by the academy. Students will make his or her own notes by his or own pen, but the paper solution of past papers will be provided either during the live session or it will be uploaded on the portal. The summative assessments are taken in order to prepare you to get A and A star in the final examination. Weekly progress report will be sent via email every week or every month, whatever you want. So if you want to join Annafe, you must follow the three steps. Number one, before joining or before paying any fee, please watch free trial classes. When you watch free trial classes, you will be familiar with the scenario or the learning environment of Annafe. Student will make his or her own study plan and a timetable, and then you pay the monthly fee and follow the procedures. The methodology is very easy. Watch recorded video lectures. The total length of each video lecture is visible on the screen. If you see the column of the subject, for example, mathematics has 62 hours long course, Urdu has 26 hour long course, and so on. And also, whenever you watch a video or listen to your teacher, please prepare your notes by yourself. You must work on the assignment and you must contact with the teacher if you face any difficulty
in making the assignments or in any video lecture. The method is to click on the discussion and a side window appear on your screen, and you can type your message and you can create the post. This message will be directly sent to your teacher. You must submit your assignment online and you will get the teacher's feedback. When you finish with your all video lectures, you please attempt the summative assessments on Brilliant. When you attempt the Brilliant assessment, you will get the same day results or sometime instantaneous result. Those students who appeared in the Brilliant test last year and scored more than 90 or up to 100, they got A and A star in their final O level examination. You can join the fortnight live session. For example, today, if there will be a live session of Urdu or chemistry or English, the next live session will be held after 15 days. The live session schedule will be sent via email to every student, either he or she is enrolled in O level or in A level. So there are 11 steps, which start from taking the free trial classes up to the booking of your final examination. I encourage you to make your study plan and to make your timetable whenever you wake up early in the morning or when you will study O level or CAT, either in the morning or in the evening, and follow your own timetable, because in online study, you will become independent. You can ask fundamental topics to your teachers. Either the teacher will email you directly to answer your question, or the teacher will make a short video and put that video in the accelerated course. You can join our career advancement track or women advancement track along with your O-level course. Those kids who are not good in mathematics may become master in mathematics by using our math blocks. The math blocks is a very unique and very exciting product for learning maths when you feel yourself in the context of mathematics. So this is a very good product. We also offer IELTS courses with our brand ambassador, Ibrahim, who is a CELTA certified trainer. Communication to parents is our regular routine. Here are some messages to and from the management or to the parents. The faculty is run by very capable, very enthusiastic, very candid teachers. Arabic department is headed by Mrs. Kulsoom Yusuf, followed by Rizwanullah Amina Faridi and Muhammad Al-Sahad. Biology department is headed by Mrs. Mumna Saleem. Business and economics department is headed by Mansoorul Rahman, and soon a new teacher is going to join the department. Chemistry department is headed by myself. Computer science department is headed by Muhammad Afzal Hussain. English department and also the IELTS department is headed by Ibrahim Farooqi. Islamiyat and Islamic Studies department is headed by Tabassum Sikandar. Mathematics department is headed by Sayyid Sharjil Hussain, and soon Sir Yusuf Riaz will join the mathematics department very soon. And he will also join the physics department, which is now headed by Muhammad Zuhaib Ansari. And Urdu department is headed by my wife, Dr. Saima Zishan, along with me. If you have any question, please do not hesitate to contact me. Here is my email address and my WhatsApp number. At this stage, I would like to share you the our new product, which is Brilliant. So what Brilliant is, I would like to play a small video. Okay, please. Let me share you a video on Brilliant. Okay, there is some problem in my connection because the video is not visible. Yusubai, is video visible? Zishan bhai, nahi aapki video aa rahi hai.
आई थिंक यूसुफ भाई, मैंने आपको कल वीडियो भेजी थी ना एक, हाँ जी आपके पास वो है तो आप प्ले कर देंगे, क्योंकि मेरा तो सेशन खत्म हो गया। जी आई विल स्टार्ट दैट, मैं ये कर लेता हूँ। तो जी प्लीज, जी तो यू प्लीज टेक ओवर, थैंक यू सो मैं मच। या आई हैव इट, प्लीज आई वुड लाइक टू शेयर द साउंड ऑल्सो। So bhai, I played the video for a few seconds and you please reply me whether my sound is visible or not. Okay, so bhai, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. A question, may such audible? It is audible. Thank you so much. I'm going to mute myself. Bismillahir Rahmanir Rahim. A question may sad you, a question may annoy you, yet you must feel the stress of examination before the real CAIE examination. According to the data published by Cambridge Assessment International Education, students attaining A or an A star grades or even a B grade is declining. Taking into account the global average, less than 40% of the O-level students and less than 30% of A-level students were able to achieve a higher tier grade in November 2021. ANAFE, O and A-level Academy, provides students a virtual computer-based examination scenario through its online summative assessments with same-day result. Through our online summative assessments on Brilliant at your own home, you can expect A and A star in your O-level finals. You can check yourself if you have achieved the desired 5 grades set by Cambridge. You can check how fast or casual you are. You can reattempt the summative assessment to score better. In 2021, those students got A and A star in their O-level finals who got more than 90% in our online summative assessments. Want to attempt our online summative assessments for these subjects? Please do not hesitate to contact us. Thank you. So this is all from my side. I'm grateful to all the viewers and over to you, Yusuf bhai. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Shukriya Zishan bhai. So this was an overview jo hamare paas O and A levels academy hai. यहाँ पर अनाफे पे देखें, अनाफे का मकसद है, बहुत से यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, आई इनवाइटेड माय स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, जिसमें से मैं देख सकता हूँ एक मेरा बहुत नोटेबल स्टूडेंट है फैजान। देखें स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत काबिल हैं पाकिस्तान में, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी ब्रिलियंट एकेडमिकली, लेकिन उनको ऐसी एजुकेशन देना जिससे वो मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सकें, अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकें, लोगों को हेल्प आउट कर सकें, उनको विजुलाइज कर सकें कि क्या मकसद है पढ़ाई का, असल मकसद क्या है पढ़ाई का, हम वहां पे लोगों को अनाफे पे यहाँ एजुकेट करता है लोगों को कि ये चीज है, ऐसी एजुकेशन जो सबको फायदा पहुंचाए। मकसद ये है कि आपको वो एजुकेशन, एकेडमिकली तो आप पढ़ रहे हैं, आपको वो एजुकेशन देंगे जिसका आपको फायदा होगा। सो अनाफे के ग्रुप ओवरव्यू की बात करते हैं। जो अनाफे ग्रुप है इनके 5 मेंबर्स हैं, यहाँ देख सकते हैं, दे आर दी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अनाफे। इसमें मोहम्मद फैसल जो प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हैं, मिस्टर तारिक महमूद जो सीईओ हैं, आई एम ऑनर्ड टू हैव विद अस कि वो आप हमारे साथ हैं आज यहाँ पर, मिस्टर इशराक अंसारी जो सीएफओ हैं, सैयद वजाहत अली जो सीओओ हैं, और डॉक्टर असद जमान जो फाउंडर ऑफ अनाफे सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के हेड हैं। नाउ ये जो फाउंडर्स हैं, ये दे आर द एलुमनाई ऑफ ब्रिटिश कैनेडियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी सच एज MIT, स्टैनफर्ड, प्रिंसटन, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ब्रुनेल, रॉयल हॉलोवे, लंदन मेट्रोपोलिटन एंड वेरियस टॉप यूनिवर्सिटीज। देखें हमने ये कंपनी स्टार्ट की फैसल भाई ने, इनके जितने मेंबर्स हैं, ये 1 मिलियन सीट फंड से स्टार्ट की गई
ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें फोर क्रिटिकल एरियाज में, जिसमें स्टेम है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वेलबींग फैसिलिटीज है और हेल्थ केयर है. ऑब्वियसली पाकिस्तान इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, लेकिन द विजन जो अनाफे दे रहा है टू एजुकेट ऑल, उसमें हम आगे लेके जा सकते हैं अपने मुल्क को, अपने आप को. अनाफे ग्रुप जो है इसके 7 डिविजन्स हैं. अनाफे ग्रुप एजुकेशन प्रोजेक्ट, अनाफे ओ एन ए लेवल्स अकेडमी, अनाफे इस्लामिक अकेडमी, अनाफे ईपे, गनीमा लैब्स, अनाफे कंसल्टिंग, अल-बसीर डीप इनसाइट्स. नाउ ये जो चीजें आपको दिखाई गई हैं, इसके अंदर ओ एन ए लेवल्स अकेडमी पे आज बात की जा रही है और इस पे फर्दर आगे बात की जाएगी. सो क्या पढ़ाते हैं हम आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं. बहुत से लोग हैं जो आपको कहेंगे ठीक है जी, ये आपने पढ़ लिया, ये डिग्री कर ली, ये कर ली, ये कर ली, लेकिन जब जॉब के लिए पढ़ने जाएंगे उनको काम ही नहीं आता हो. हम आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं, दिस इज आर मोटो. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन सी दिस, आप यहाँ पर जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओवर देयर. सो करियर एडवांसमेंट ट्रैक एक हमारा प्रीमियर ट्रैक है, जिसमें हम आपको कोचिंग, टीचिंग, नॉलेज डेवलपमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड स्किल्स पे काम कराते हैं, आपको ट्रेन किया जाता है. करियर एडवांसमेंट ट्रैक में, एज यू कैन सी ओवर हियर, आई शोड दिस अर्लियर ऑन, करियर एडवांसमेंट ट्रैक में कॉर्ड्स, विच इज ये एब्रिविएशन है कॉर्ड्स, दिस इज सी फॉर साइबर, साइबर सिक्योरिटी, यू फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डी सी फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स, एंड एस फॉर स्टार्टअप. सो ये डिवीजन है, इसमें बहुत सी चीजें आपको लैब्स भी मिलती हैं, सब चीजों के डेटा साइंस एंड पाइथन में भी है, सिसऑप्स है, गनीमा लैब्स है. आई विल एम्फसाइज, मैं हम रोजाना बैठते हैं, हम एम्फसाइज करते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि ये दिस इज आर डिफरेंशियल. ये कहीं ऑफर नहीं होती लैब्स. आप कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि अगर वो हैंड्स ऑन काम नहीं करते ना किसी चीज पे, तो वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे उनको काम नहीं आता होगा. थ्योरेटिकली जितने अच्छे हो सकते हैं हो जाएं. ये वी आर प्राउड ऑफ इट एंड अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और इस चीज में इस्तकामत दे. ई मैथ यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स को बहुत शौक से पढ़ते हैं. बहुत से लोगों का शौक नहीं भी होता, लेकिन हम शौक डेवलप करवा देते हैं. सो अगेन आई विल एम्फसाइज के टीचिंग इज एन आर्ट, सो यू विल सी द आर्ट ओवर हियर. LinkedIn जो है ये नेटवर्किंग के लिए की जाती है. अगर ओ एंड ई लेवल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो नेटवर्किंग सीख जाएं, प्रोफेशनल नेटवर्क्स में किस तरह पेनिट्रेट करना होता है, किस तरह बिल्ड करना होता है, किस तरह लोग कंपनीज आपको अप्रोच कर लें, किस तरह बन जाएं, तो आपकी जितनी एफर्ट, जितने टाइम की आप उसने क्रेडिट आवर्स अपने ले रहे होते हैं दिन के, ठीक है, तो वो आपको फ्रूटफुल नजर आएंगे. IELTS और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक करते हैं वो प्रॉब्लम में जाते हैं. करियर एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ के हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे अनाफे के यूट्यूब चैनल पर जाके सक्सेस स्टोरीज में जाके देख सकते हैं. 3 से 4 महीने पढ़ के वो इतने काबिल हो जाते हैं कि उनको जॉब्स मिलना शुरू हो जाती है और उन्हें मिली. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास जितनी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं ये लेबल्ड है, देख सकते हैं. क्लाउड ऑपरेशंस, थ्रेट हंटिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, आईटी ऑडिट, क्लाउड इंजीनियरिंग, स्काडा इंडस्ट्रीज की चीज है, ठीक है. सो यू कैन मैनूवर ओवर देयर. ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए. लेकिन अगर किसी ओए लेवल से स्टूडेंट से पूछें जो जेनेरिक है, वो नहीं कर सकता, वो बेचारा एक लंबी दौड़ में फंस जाएगा. हम उसे उस दौड़ से निकालना चाहते हैं. हम उसे चाहते हैं कि अगर आप ओए लेवल्स करते हैं, साथ ये करते हैं, तो यू कैन गो प्लेसेस, आई कैन टेल यू दैट. सो करियर एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ कौन सकता है? करियर एडवांसमेंट ट्रैक अगर कोई ओ लेवल्स का स्टूडेंट है या 8th से 10th क्लास का है, मेट्रिकुलेशन कर रहा है, वो 4 साल में करियर एडवांसमेंट ट्रैक खत्म करके एक प्लान्ड डिसीजन के साथ इन स्पेशलाइजेशंस में बैचलर्स या मास्टर्स कर सकता है. लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उन्हें पता ही नहीं है वो उन्होंने करना क्या. हम आपको इस चीज में भी हेल्प कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर ए लेवल्स का स्टूडेंट है, वो एक कहते हैं कि ब्रेक और मेक वाली बात हो जाती है उसके लिए.
So we are visualizing that we can make the students, we can inculcate students with the right skills, जिससे वो आगे बड़ा easily निकल सकते हैं अपनी जिंदगी में. So यहाँ पे वो दोस्त अगर वो A levels के student हैं या inter के हैं, वो in specializations में bachelor's या master's कर सकते हैं. Again, to emphasize, informed and planned decision. खुद decide कर लेंगे वो, हम इतना काबिल बना रहे थे. Job के काबिल भी हैं, वो आगे approach भी कर सकते हैं, portfolio building and all. बैचलर्स या मास्टर्स के स्टूडेंट है, एक साल में कर सकता है, और अगर बैचलर्स कर रहा है तो वो इन फील्ड्स में मास्टर्स कर सकता है. अगर प्रोफेशनल है तो वो भी एक साल में करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता है. हमारे अनाफिक कॉलेज ऑफ इमर्जिंग साइंसेस, ये भी अभी मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाऊंगा, ये इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट ईयर फरवरी 2023 या सितंबर 2023 में ओपन होगा. हमारे पास यहाँ पे HODs आप देख सकते हैं, डॉक्टर असद जमान HOD सोशल साइंसेज हैं, मिस्टर तारिक महमूद जो HOD ITGRC हैं, HOD डेटा साइंस और जो असिस्टेंट हैं कि डेटा साइंस के, दीज हैव टू बी डिसाइडेड, मोहम्मद फैसल वो HOD कॉड्स हैं, डॉक्टर अवैस HOD मशीन लर्निंग एंड मैथमेटिक्स हैं, डॉक्टर सालिहा HOD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, मिस्टर फरहान खान जो HOD ब्लॉकचेन पढ़ा रहे होंगे, मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम जो HOD इंग्लिश हैं, मिस्टर तैमूर जो बिग डेटा के HOD होंगे, मिस्टर काजिम HOD सिसॉप्स हैं, DevOps को लीड कर रहे होंगे, विशंबर लाल जो HOD आप देख सकते हैं, रोबोटिक्स क्वांटम कंप्यूटिंग और IoT के HODs डिसाइडेड हैं. ये भी आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें आप, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकर है, आपको नजर आ रहा है, ये चीज देख सकते हैं आप. तो ये सो यू हैव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. और जो हम दे रहे हैं, जो हम फीस ऑफर कर रहे हैं, वो यूके के बहुत से कॉलेजेस बहुत कम, बहुत कम. सो अगर हमारे पास कोई कहता है ठीक है मैं आपके पास नहीं आना चाहता, ठीक है, फेयर है ना, आप अगर किसी और यूके या EU यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपको हम असिस्ट करेंगे. अगर देखें बच्चे कहते हैं कि हम नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, दिस इज अ फैक्ट कि वहां पर जाना मुश्किल है एज कंपेयर टू EU एंड UK यूनिवर्सिटी. हमारे करियर एडवांसमेंट ट्रैक के जो स्टूडेंट्स हैं, ये G20 कंट्रीज में काम कर रहे हैं. इनकी सक्सेस स्टोरीज आप अनाफे के YouTube पेज पे जाके देख सकते हैं. हमारे करियर एडवांसमेंट ट्रैक के जो स्टूडेंट्स हैं, ये इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं. अगर आप चाहते हैं आप भी इन इंडस्ट्रीज में जाके काम करें, तो आपको काम सीखना होगा, हम आपको काम सिखाएंगे और आप इंशाल्लाह आगे जा सकते हैं. अगर करियर एडवांसमेंट ट्रैक आप लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको एक्सेस मिलेगी सारी कोर्सेज की. 70% कंप्लीशन के बाद आपकी रेज्यूमे पे काम किया जाएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेज्यूमे जो है वो बनानी नहीं आती लोगों, वो किस तरह चीज आपने रिप्रेजेंट करनी है, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है, वो हम करके देंगे आपको. हम आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लेटर देंगे, ठीक है. आप कहें कि जी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिल रहा है, हम दे रहे हैं. आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे, किस तरह जॉब हंटिंग करनी है वो भी सिखाएंगे, वीजा ना रिजेक्ट हो आपका, आपको उसमें भी गाइडेंस देंगे. हम अपने कॉलेज में बुलाने के लिए जो गाइडेंस और असिस्टेंस है वो देंगे. अगर हमारे पास नहीं आना चाहते, कहीं और जाना चाहते हैं, हम वहां असिस्ट करेंगे. IELTS है. एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, बहुत से क्योंकि देखें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, हमने एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐड किया है, हमने आपको वो भी दे दिया उसमें करियर एडवांसमेंट ट्रैक. आप अपना स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, आप टेक्निकल स्टार्टअप की तरफ जाएं, हम आपको इतना काबिल बना दें. तो करियर एडवांसमेंट ट्रैक की ये डिविजन है, जिसमें आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ आवर्स राइट पे लिस्टेड हैं, जिसमें IELTS है, सिसॉप्स है, लाइव क्लासेस विद मोहम्मद फैसल. ये मोहम्मद फैसल भाई जो हैं, ये माशाल्लाह इनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं एज अ स्टूडेंट, ठीक है. मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसे टीचर नहीं मिले, बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको बड़ी बड़ी जो है ना एक एंथुजियाज्म से पढ़ाते हैं और बड़ा बहुत ही डाइवर्सिफाइड आपको चीज़ें समझाएंगे. परसेप्शन ही डिफरेंट मिलना शुरू हो जाता है चीज़ों का. गनीमा लैब्स, लिनक्स है, पाइथन है, साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन है, ठीक है. ये अगर आप कर लें तो बहुत काम की चीज़ है. साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हैं. ये बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कहेंगे ये पता नहीं क्या है,
हम आपको ये चीज इस तरह पढ़ाएंगे, आपको ये ऐसे लगेगा कि ये मुश्किल चीज थी नहीं, क्योंकि अगेन टीचिंग इज एन आर्ट, वी हैव लर्न द आर्ट माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से। ये चीज जो है आप देख सकते हैं, दिस इज अगेन अ डिविजन ऑफ व्हाट वी आर टीचिंग इन कैट। ये इसमें स्काडा, ई मैथ, सो पाइथन, मतलब यू हैव अ लॉट टू लर्न, मशीन लर्निंग, लिंक्डइन, इसमें आपके पास लैब्स के साथ साथ आपको एंटरप्रेन्योरशिप की चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, विच इज एडेड रिसेंटली। सो इन स्टैंडर्ड्स पे हम काम करते हैं, ये देख सकते हैं गरिमा लैब्स, ये आप देख सकते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के ये स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे काम किया जाएगा। ये जो रेड में आप देख सकते हैं, दीज स्टैंडर्ड्स आर अप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी इंडस्ट्री। आप यहाँ पे क्लाउड के देख सकते हैं कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ स्काडा के स्टैंडर्ड्स हैं, तो यू हैव अ लॉट टू गेन। गनीमा फोकस्ड इंडस्ट्री, अगर आप गनीमा लैब्स कर लेते हैं, हैंड्स ऑन काम कर लेते हैं, तो आप इन इन इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। तो ये हमारा दावा है और हमारे स्टूडेंट्स गए हैं, आप देख सकते हैं जाके। सो लैंग्वेजेस दैट वी फोकस, देखें ये दिस इज अ मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हमारे पास उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, जितनी लैंग्वेजेस आप देख रहे हैं, जहां मेरा कर्सर है, दिस इज कवरिंग 80% ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। बाय द एंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 ये हमारा करियर एडवांसमेंट ट्रैक यहाँ अवेलेबल होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि हमारे पास ये चीजें इन डिमांड नहीं है, सॉरी इन डिमांड ये जॉब्स नहीं, ये खत्म हो रही है। आप पढ़ लें, आपको यही पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ते रहें, आपको जॉब नहीं मिलेगी, और ये कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, धड़ाधड़ करी जा रहे हैं लोग। ये हम तो कह रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत अरसे से ये कही जा रहा है, लोग नहीं सुनते, क्योंकि लोगों को समझाना है ना। आप कहें कि एक्सपोजर ही नहीं है लोगों को, हम एक्सपोजर दे रहे हैं, और ये जॉब्स हैं जिनमें आपको बहुत ही ज्यादा, मतलब ये फील्ड्स हैं जहां पे आपको जॉब्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, ये इमर्जिंग फील्ड्स हैं, आप हमारे साथ ये चीजें पढ़ के आप आगे निकल सकते हैं। अगर कोई कहता है नहीं हो, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये वेबसाइट, ये आप लिंक देख सकते हैं, आप यहाँ पे विजिट करें, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करें, आपको ये कर्जुल हसना है, ठीक है, आपको यहाँ पे हम एक्सेस देंगे, आपको पढ़ाई का मौका देंगे, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू की जाती है, फिर उसके बाद आपको एक्सेस दिया जाता है, एंड इफ यू वांट कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हम वो देंगे। करियर एडवांसमेंट ट्रैक के बाद हम ये फर्दर एडवांसमेंट ट्रैक्स हैं ये आपके लिए ओपन कर रहे हैं इन फ्यू डेज। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर पब्लिक ब्लॉकचेन का एडवांसमेंट ट्रैक रिलीज हो चुका है। ब्लॉकचेन इज अ वेरी वेरी हाईलाइटेड एरिया राइट नाउ, क्योंकि दुनिया में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई एकदम से, पहले कह रहे थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। हम वो आपको इकोनॉमिकल इफेक्ट से पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिकल इफेक्ट ये है कि आप पढ़ने जाएंगे ना, कोई आपसे कहेगा कि जी मुझे $15,000 दें, $20,000 दें, आपको कोई काम हैंड्स ऑन काम भी नहीं सिखाएंगे। हमारे पास लोग आते हैं, वो बताते हैं, हम आपको हैंड्स ऑन काम के साथ वो चीजें दे रहे हैं जो आप कहेंगे ये तो फ्री है, इतने ये जो पैसे ले रहे हैं ये उसके बावजूद भी फ्री है, आप कर लें, रिसर्च कर लें। वी लुकिंग फॉर पार्टनर्स, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन ईमेल एड्रेसेस पे। सो जज़ाकअल्लाह, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, नाउ आई विल ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं, एंड सितारे की ज़ोहर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। जी सर, अमार आफ्ताब, आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू। अमार कैन यू प्लीज होल्ड ऑन। हाँ जी, चलिए, फैजान अनम्यूट नहीं हुए। जी अमार बोलें, आई रिमेम्बर यू, आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं। जी
जी अमार, यू कैन स्पीक नाउ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप बोल सकते हैं। जी सर, हाँ जी प्लीज बोलिएगा। सॉरी मैं जी मैंने लेट जॉइन किया, सर मैंने बीच में से ही सुना। अमार मुझे बताओ, ए लेवल्स कर रहे हो आप? ए लेवल्स के फर्स्ट ईयर में आप एएस कर लिया आप? सर अभी एएस का नहीं, सर कॉलेज कंपोजिट के साथ जा रहा है, तो मतलब यू हैव एन ईयर राइट? यस सर। एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस राइट? यू आर डूइंग प्री इंजीनियरिंग? यस सर। ओके, व्हिच सब्जेक्ट्स? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ओके, आगे देखो, आपने जहां भी जाने का सोचा होगा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, आप एज भी ले लो, आप किसी यूनिवर्सिटी में निकल जाओ, आपने हालात देखे हैं पाकिस्तान के, डू यू थिंक यू विल गेट द जॉब? आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो ना? सर कर तो रहा हूँ, लेकिन यूजुअली फील होता है कि मुश्किल होगा ना, उसकी वजह क्या है? I'm asking you a rhetorical question, not to demoralize you, just to emphasize my point कि मैं आपको किस तरह help कर सकूं। सर पता नहीं, अक्सर ऐसा लगता है जैसे जिन fields में मतलब जो अभी मतलब like world में develop हो रही है ज़्यादा, वो पाकिस्तान में इस तरह available नहीं है, मतलब है, एक तो है, मतलब variety है। मैं आपकी बात cut करूँगा, है लेकिन हमें पता नहीं है, ये बात आपका है, ये पॉइंट है, मैं पता नहीं है अभी हो रही है लाइक, क्योंकि मोस्टली जो है आपको पता है टिपिकल यही होता है कि या इंजीनियरिंग या डॉक्टर वही वाला हिसाब है। हाँ, बिकॉज देखो ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, ठीक है, डॉक्टर जो है ना, इट इज अ नोबल प्रोफेशन, इसी तरह टीचिंग भी एक नोबल प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक डिमांडेड प्रोफेशन है ना, ठीक है। अब देखो मकसद ये है कि आप जो भी फील्ड में जाते हो, अगर आप प्लानिंग के साथ चलो, ठीक है, प्लानिंग के साथ चलोगे तो क्या तुम कामयाब होगे? अल्लाह ताला की मदद आएगी आपके पास। देखो अल्लाह ताला की, आप अल्लाह ताला से मांगोगे, लेकिन मेहनत भी तो करोगे ना, दुनिया के लिए जितनी चीजें चाहिए आप उसके लिए मेहनत भी करोगे, आप पढ़ रहे हो। देखो ये मैं आपको क्लास में भी एग्जाम्पल देता था, मैं सब बताता कि यार इफ यू हैव टू पेनिट्रेट द वॉल, यू हैव टू लर्न कि किस तरह हैमर करना है। एक हो गया, हम टूल पकड़ा रहे हैं भाई तुम, करियर एडवांसमेंट ट्रैक आपको ये इस काबिल बनाएगा कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो, तुम्हें पता है पाकिस्तान में जो बैचलर्स या जिस तीन जगह पढ़ाया जा रहा है वो इतना वैलिड नहीं है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम अभी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चीजें पढ़ाई जा रहे हैं, मेमोराइजेशन पढ़ाई जा रहे हैं, मेमोराइज करो करो करो, याद करो, ठीक है। तो देखो नॉट टू से कि जी आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती, देखो डिग्री की जरूरत है, आपने बाहर जाना है ना, इमिग्रेशन के लॉज हैं, सब कुछ है, आप क्यों नहीं ये करते, अगर हम जो ऑफर करते हैं, अगर ये आप क्यों नहीं करते, इसके लिए क्या चीज आपको रोकेगी? पहले तो सवाल ये बनेगा आपका ना, क्यों नहीं करोगे कि जी मेरे पास टाइम है, मैं ए लेवल्स के साथ कैसे मैनेज करूँ? ए लेवल्स में आप तीन सब्जेक्ट रख रहे हो, ठीक है, आपने कॉम्पोजिट की तरफ जाना है, अगर आप ये जेल इन करते हो ना इसके साथ, कोई मसला आता है मैं हाजिर हूँ, मेरे पास आपको फैजान का तो पता है सब कुछ है, आप आओ जी सर, बात करो कि जी मुझे ये चीज समझाएं, मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसे बच्चे हो कि अगर तुम्हें डायरेक्शन दे दी जाए ना तो तुम बड़ा इजिली आगे निकल सकते हो। देखो आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट उनके लिए फ्रूटफुल हो, और हम उसमें आपको क्या चीज ऑफर कर सकते हैं वो ए लेवल्स ओ लेवल्स के साथ ही। आप अगर हमारी एकेडमी में देखो, तुम्हें पता है एकेडमी कल्चर जो जितनी फीसेज रहते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको 10,000 के अंदर 5,000 के अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो 5,000 के अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उसके बाद 5,000 हम ले रहे हैं करियर एडवांसमेंट ट्रैक आपसे, ठीक है। देखो आप स्कूल में दे रहे हो, आप स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हो, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हो, हाँ। अब तुम देखो उसके अलावा तुम स्कॉलरशिप पे पढ़ के किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तुम एडमिशन टेस्ट में पास जाओगे, तुम ये चीजें कर लो, तुम्हें बाहर
तुम्हें मल्टीनेशनल कंपनी उठा लेगी कि यार ये बच्चा हमें दे दें, इसको साइबर सिक्योरिटी का भी पता है, इसको तो पाइथन भी आती है, इसको लिनक्स भी आती है, इसको स्काडा का भी पता है, वो कहेंगे यार ये कौन सा बच्चा, ये है कौन। अभी आप किसी ए लेवल के बच्चे को बताओ ना, वो तो मजे की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ए लेवल्स जो कंप्यूटर साइंस है स्कूलों में पाकिस्तान में, वो तो पाइथन पढ़ाते ही नहीं, ऐसा ही है? यस सर। क्यों सर, क्या देखो भाई काम की चीज नहीं कराएंगे हम आपको, काम की चीज कराएं। मैं आपसे फैक्ट्स, मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ, देखो मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ, मकसद आपको हेल्प करना, आपको गाइड करना, डिसीजन आपने लेना, ठीक है? देखो ए लेवल्स कर लोगे, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में भी निकल गए, आप देख लो जो जो हालात हैं, वो लोग कहेंगे यार जॉब ही नहीं है पाकिस्तान में, फिर कहेंगे आपको हम बाहर लेके बाहर जाओ। मेरे पास यहाँ पे अभी मैं अगर आपको दिखा सकता, आई डोंट नो, वो वेबसाइट डाउन हो गई है, लेकिन वो एक स्टैट मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो मैंने उस पर, हम क्योंकि रोजाना 9 बजे बैठते हैं, बताऊं क्या होता है, बहुत से लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यूके मूव कर रहे हैं, यूके में ना इतना आसान हो गया मूव करना, और आप जैसे बच्चे बड़ा इजीली जा सकते, आप ये पढ़ लो, देखो प्रॉब्लम ये होती है, आप कहोगे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, भाई आप ये पढ़ लो तो आप ऑड जॉब नहीं करोगे, आप फील्ड रिलेटेड जॉब करोगे, तुम अपनी फीस निकाल लो। आप बताएं ना, बहुत से लोग बाहर जाते हैं, वो बैचलर्स करके भी ऑड जॉब कर रहे हो, जॉब ही नहीं मिलती उनको, क्योंकि भाई उनको बताया नहीं जाता। ये जो हमारे हमारे जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो MIT स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, यहाँ तारिक भाई जो हमारे CEO हैं, मेरी इतनी एज नहीं है जितना इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर इन्होंने एक चीज डिजाइन की है, आप रिसर्च करके आओ अपनी, आपको पता है हकीकत है सामने, ये जो आपके सामने रखी गई है चीज, ये आपको फायदा पहुंचाएगी, लोग चार चार महीने पढ़ के एक उनको जॉब्स मिल रही, ठीक है, आप ए लेवल्स में जो सब्जेक्ट्स आपने रखे हुए हैं ये प्राइम सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा ही है। तो अगर आप ये चैलेंज कर लेते हो ना, आप बहुत आगे लेते, बहुत आगे निकल सकते, ठीक है? तो अगर आप कहते हो ठीक है जी मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, आप इसको देखो, पहले जाके देखो, स्टार्ट करो, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको जो चीज, और देखो घर बैठ के सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, ठीक है, पीपल दे आर हुक्ड ऑन नेटफ्लिक्स, ये हमारी 5 लाइन है, पीपल आर हुक्ड ऑन नेटफ्लिक्स, वी विल हुक पीपल ऑन अन्नाफे प्लेटफॉर्म, ये देख लेना, हम वी विल हुक पीपल ऑन एजुकेशन, और तुम्हारे जैसे बच्चे चाहिए जो आगे, तुम एक स्टैंड, तुम्हारे बहन भाई भी है ना, वो तुम्हें देखा देखी तुम्हारे पीछे आएंगे, उसकी वजह यह है कि तुम सक्सेसफुल हो गए, मेहनत कर रहे हो ना, क्या मिलेगा उसके बाद आपको नहीं पता, ठीक है? तो दिस इज व्हाट आई कैन से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, आप इस पे देखो, स्टार्ट करो, दिस इज व्हाट आई कैन से, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आई विल हाईली रिकमेंड कि इसको स्टार्ट करो, आपको ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती ऐसी अपॉर्चुनिटी, फिर आपके पास जब आप बैचलर्स में जाओगे ना, आपको रियलाइज होना शुरू होगा, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप देखो जी की लम्स नस्ट फास्ट, ये बड़े नाम हैं, लेकिन जॉब्स जो हैं जिन फील्ड्स में हैं वो पढ़ा ही नहीं रहे, वो अब क्या करें? तो आप पैसे तो लगा लोगे, फिर क्या करोगे? फिर आप कहोगे यार मैं बाहर चले जाता हूँ पाकिस्तान से, मैं पहले तुम्हें कह रहा हूँ यार तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम बाहर जा सकते हो, तुम बाहर जाना चाहते हो हमार? जी सर, ट्राई तो करनी है, ट्राई करनी है ना, तो मैं तुम्हें ट्राई की नहीं, मैं तुम्हें ना पुश दे रहा हूँ, तुम निकल जाओगे, ये स्टार्ट कर लो, तुम्हें वहां जॉब ही नहीं मिलेगी अगर तुम्हें काम ही नहीं आता होगा, मैं तुम्हें काम सिखा के भेज रहा हूँ यार, तुम्हें IBM Siemens, ठीक है, वो कह रही है कि यार बच्चे मैं आपको, इफ यू कैन होल्ड ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ,
ये देखो अखबार। अच्छा अब ये देखो जरा, मैं यहाँ ए लेवल लिखता हूँ, ठीक है, और ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये जितनी चीजें जो है ना, यहाँ पे आपको ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपके पास वो तीन ए लेवल मांगते हैं, यहाँ पे सीमेंस और यहाँ ए लेवल, मैं इस पे लेके आता हूँ आपको, जस्ट लेट मी सर्च। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुमने उसका क्या सोचा? मैं भी लेके आता हूँ आपके सामने, जॉब आपको नजर आ जाएगा, वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे, वो कंपनी आपको कहेगी, ट्रेन करेगी, पैसे भी देगी। और बताओ, तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए, तुम्हें पाइथन पे काम आना चाहिए, तुम्हें लिनक्स पे काम आना चाहिए, ठीक है। अब उस पर क्या करोगे? वो तुम्हें काम नहीं आता तो फिर कैसे जाओगे आगे, ये बता दो, ठीक है। तो व्हाट आई वुड से कि इसके ऊपर थोड़ा सा मुझसे बात करो, बैठो, थोड़ा सा देख लो, अगर वो है यहाँ पर, आई थिंक वो है यहाँ पे अमार, तो अमार इसके ऊपर देखो यार। मैं आपको बार बार ये इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ इस पे, मैं आपको ये ना लिंक मैं आपको ना इस मैं दे भी दूंगा, वो आप देख लेगा जाके, ठीक है। दे विल गिव यू 20 to 30,000 pounds एन ईयर, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको जॉब भी करवाएंगे, लेकिन वो ए लेवल्स मांग रहे हैं, ठीक है। वो तो सीज मांगते हैं भाई, वो कहते हैं तीन ए लेवल हो, सीज हो, मिनिमम सीज हो, बच्चे को ये काम आना चाहिए, ठीक है। वो मैं लिंक आपको फाइंड करके भी दे दूंगा, आई थिंक दैट विल टेक इट्स टाइम, क्योंकि वो मुझे जो है ना उसकी अपनी देखना पड़ेगा, मैं बुक मार्क नहीं किया उसे, ठीक है, मुझे बुक मार्क करना चाहिए था। लेकिन देखो मैं तुम्हें ये बातें इसलिए, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, मैं हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बाहर जाना चाहते हो मैं अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, और ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं इसमें लैब्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी, आप जाके सर्च कर लो वो तुम्हें चीजें, तुम यूट्यूब पर बैठ के पढ़ना शुरू करो, 40 मिनट के बाद तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या पढ़ना है। हम तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं जो जॉब के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये चीज कर लो आप निकल जाओगे, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, उन्होंने करियर स्विच करके भी जॉब ले ली, ठीक है। लोग फुल ब्राइट करके भी जो है ना वो बेचारे परेशान है, ठीक है। मैं तो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा मैं तो किसी उस खाते में नहीं आता जो फुल ब्राइट में है, वो तो वही गलत ही उसमें होते हैं ना डोमेन में। तो प्लीज इस पर सर्च करो, यू कैन रीच मी आउट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, आप इस पर देखिएगा, this is a very good opportunity for you, और जितने पैसों में ये offer किया जा रहा है this is free, आपको labs इतने पैसों में नहीं देगा कोई जिसमें काम सिखाएं, ठीक है। so Amar, do you have any questions, would you like to know anything about that, warna I will move to Faizan. No sir, further questions to koi nahi. thank you so much, और देखो आपको लाने का मकसद यहाँ पे ये था कि आपको दिखा दी जाए चीज जो हकीकत है, करना आपने है, ठीक है, फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमें बताया किसी ने नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। जी फैजान अस्सलाम वालेकुम, फैजान कैसे हैं आप? Faizan, your voice is very low. Can you speak a bit louder? All right, sir. Am I audible better? Yes, it is. It is fine now. I will try to hear you out. Aap bole, please. All right, sir, I was saying thank you for recognizing me. I just have a question. I want to ask. I checked on your website, Al-Nafe website, and there were multiple courses available. So apart from the CAT course that you were telling about, do you recommend any other course which I could take?
देखें द कंपनी स्टार्टेड ठीक है अवाइल अगो, बहुत थोड़ा सा पहले स्टार्ट हुई, वहां पे आपको इंडिविजुअल कोर्सेज मिलेंगे। हमने ये सारे कोर्सेज जो करियर एडवांसमेंट ट्रैक आपको बताया जा रहा है ना, इसमें ये सब कोर्सेज हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप कहते हो मैं कॉर्ड्स पढ़ लूँ, हमारे वो कॉर्ड्स सारा कैट में है। ठीक है, वहां पे आपको लैब्स नहीं मिलेंगी, वो कोर्सेज हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन वट आई वुड रिकमेंड कि आप ये स्टार्ट करो, क्योंकि देखो तुम्हें हैंड्स ऑन काम चाहिए ना, ये डिजाइन किया गया आप लोगों के लिए। ठीक है, और अपने घर पे बैठ के इजीली तुम बैठ के अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ोगे, इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी आपको स्पेसिफिक टाइम चाहिए। आपको पता है चार चार पांच पांच बजे तक आप स्कूलों में होते हो, कॉलेजेस में होते हो। ठीक है, तो वो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, आप घर आओ, अपने आप को प्लान करो कि अच्छा मैंने एक घंटा, सिर्फ आपसे एक घंटा चाहिए, कैट का आपको एक घंटा देना है दिन का, एक घंटा अगर आप दे दो दिन का अपनी मर्जी से, ठीक है, तो तुम बहुत इजीली ये कर जाओगे। और बाय द एंड ऑफ योर ए लेवल एग्जाम आप जब बाहर के लिए जा रहे होगे तो आप जॉब के काबिल होगे। देखो आपकी सीवी बना के देंगे, मुझे बताओ ना किसी ए लेवल के बच्चे की सीवी बनी हो, उनको तो पता ही नहीं है, उनको लिंक्डइन का ही नहीं पता, उनको पाइथन का ही नहीं पता होना, उनको उनको पता ही नहीं है ये चीज़। मैं तो आपको लेके जा रहा हूँ कि यार तुम निकल सकते हो आगे। तो अगेन करियर एडवांसमेंट ट्रैक इज द अमलगमेशन ऑफ इंडिविजुअल कोर्सेज, राइट? सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी बिट फ्रॉम दैट। ठीक हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कहें कि जी मुझे तो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी समझनी थी, मैं तो नहीं पढ़ना चाह रहा सिसऑप्स, मैं तो पाइथन पे काम नहीं करना चाह रहा। भाई जब आप बाहर जाओगे, देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम्हें पता होगा केमिस्ट्री भी यूज होगी। यस सर। ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि यू वांट टू डाइवर्सिफाई, एंड व्हेन यू लैंड इन द प्रैक्टिकल फील्ड आपके पास ये चीजें काम आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह हम कह रहे हैं, हम आप जब कमर्शियली जाओगे काम करने, आपको ये चीजें नजर आएंगी फ्यूज होती हुई एक दूसरे में, आपको पता ही नहीं होगा, फिर आप परेशान हो गए, हम आपको पहले से ही करके भेजेंगे। Yes, sir. ये चीज है। So you are a sharp student, माशाल्लाह। देखो आपका जो भाई है छोटा, I don't remember his name, क्या था? Marcel also spoke to us, and देखो बच्चे जो मेहनती बच्चे होते हैं ना, उनको एक्सपोजर की जरूरत होती है, वो निकल जाते हैं बड़ा इजी। ठीक है, सो यू आर वन ऑफ दोज। ठीक है, नॉट टू से कि जी आप यहाँ पे आए हो, मैं जो हकीकत है मैं आपके गैर मौजूदगी में भी कहूँगा, आपके सामने भी कहूँगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, मेहनत करने वाले बच्चे हो, लेकिन अगर आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको नजर नहीं आएगा तो आप डीमोरलाइज हो सकते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार आपको ऐसी राह रास्त दे दी जाए कि तुम्हें बस हल्का सा तुम्हें ना यूं स्टेयरिंग की तरह यूं लेके गए, तुम खुद बहुत निकल जाओगे आगे, और ये तुम्हें स्कूल्स और ये लोग नहीं बताएंगे आप। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहे हैं भाई, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा है। आप अब्रॉड जा सकते हो, आपके लिए यूके का दरवाजा खुला है। यूके में 99% कुछ केसेस में 95% एंड अबव जो वो वीजा दे रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो उनको लोग चाहिए। ब्रेग्जिट के बाद उनका जो माशी हालात है वो इस तरह के हो गए हैं कि उनको टैलेंट चाहिए। तो भाई हम टैलेंट वहां, और आपको इतनी हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी, ठीक है, कि आपको लगेगा कि यार ये चीज हमारे पास, ये अल्लाह ताला के काम है। देखो अल्लाह ताला ने एक हमें दी चीज, हम लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, विद अ विजन। ठीक है, तो इस देखो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, आप कोई लेवल्स अकेडमी हमारी ज्वाइन करो अलॉन्ग विद कैट। ठीक है, आपको पता है उसमें आपको ब्रिलियम असेसमेंट जो देंगे, आपको पता है, आपको ये सारी बात तो पता है ना, कोई लेवल्स की जो जितनी पेपर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली चेक होते हैं। Yes, sir. है ना, तो हमारी जो ब्रिलियम असेसमेंट है वो है ही है सारी, आप टेस्ट करोगे आपको पता चलेगा अच्छा ये तो मैंने अभी किया मेरे इतनी रिजल्ट आया, फिर दोबारा उसकी रीटेक करोगे, बैठोगे करोगे, वो
आपको बहुत अच्छा आइडिया दे देती है कि आप एग्जाम में कितने परसेंट लेके आओगे। ऑब्वियसली वो अभी परसेंटेज तो नहीं दिखाते, वो ग्रेड आपको बता देगा कि इतना आना है आपको, और वो हम कह सकते हैं बड़ा दावे के साथ कि जितने जो प्रीलिम असेसमेंट हमारा दिखा रहा है वही चीज जो है ना आपके एक्चुअल एग्जाम में आएगी। ओके सर, जी फैजान Sir, the slideshow said that Al Nafe College will open by, I think, September 2023. So before that, are like labs available, as you said? Yes, the labs are available. If you, देखो अगर आप monthly पे जाते हो ना तो the labs will be available in the 5th and 6th month. ठीक है? And if you pay it quarterly या half yearly कहते हो तो आपको 30-40 month मिल जाती है, और अगर आप full payment कर देते हो तो आपको foreign सब कुछ मिल जाता है, और वो labs के आपको दिन में 3 घंटे मिलते हैं, आप 3 घंटे के अंदर उसको utilize कर सकते हो, उस पर आप काम सीखोगे। जो हमारे founder हैं फैसल भाई, उनके साथ live classes भी होती हैं, वहाँ बैठो उनके साथ काम सीखो, आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो आपको इंडस्ट्री में मिल, आपको इंडस्ट्री में कहेंगे ये काम करने को, हम आपको पहले से तैयार करके भेज देंगे। ठीक है, लैब्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तुम जहां मर्जी चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ नहीं मिलेंगे, हम उसकी कॉस्ट पे इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव वेंचर, वो हम बेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी हैव अ विजन ना, तो द विजन रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड ऑब्वियसली एफर्ट, तो हम वो कर रहे हैं। यस सर, थैंक यू। तो ये है कि आई वुड से इफ यू जॉइन अस, आपको बहुत फायदा होगा इस चीज से, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, अपनी मर्जी से, सिर्फ घंटा चाहिए आपको, 1 घंटा दिन का, सिर्फ 1 घंटा, मैं तुमसे 6-6 घंटे 10-10 घंटे नहीं मांग रहा, तुम्हें 20 मिनट की ऐसी वीडियो मिलेगी, 10 मिनट ब्रेक लो, फिर एक और वीडियो देखो, थोड़ा सा लिनक्स पढ़ा, थोड़ा सा पाइथन पढ़ा, थोड़ा सा CSSP पढ़ा, बस और कुछ नहीं करना। Yes, ये जो सारी बातें करो तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। सो इफ यू वांट टू जॉइन अस, ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी, और इंशाल्लाह लेट्स सी के हाउ कैन वी हेल्प यू, और इसके अंदर आपको कैसे आगे लेके जाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक नॉलेज। देखो डिग्री चाहिए होती है इवेंचुअली ना, अगर आप बाहर जा रहे हो, आप उसका एक कॉस्ट इफेक्ट निकाल के जा रहे हो ना, पैसे खर्च करके जा रहे हो, फिर वहां जॉब नहीं मिलेगी, पैसे पूरे करने के लिए जॉब की तलाश करोगे, ऑड जॉब्स करोगे, तो यार ये करके तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, वहां काम सिखा देंगे ना, काम आना चाहिए। ठीक है, गूगल का तुम्हें पता है ना, गूगल तो कहता है भाई अगर जॉब करनी है काम आना चाहिए, हम डिग्री मानते नहीं हम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई कैन से, सो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप stream.arnafe.com पर जा सकते हैं, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस ओवर देयर। आई वुड लाइक टू से कि आप यहाँ पर, मैं चैट में लिख रहा हूँ, ये अमार आफ्ताब और फैजान, आप प्लीज इसमें जाके अपने कमेंट्स यहाँ पे अपने पोस्ट करिएगा। लेट मी जस्ट शो इट टू यू, so the chat is open, if anyone has a question वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये चैट में यहाँ पे आप विजिट करें, this is a clickable link, आप जाएं अपना कमेंट पोस्ट करें, ये हमारा स्ट्रीम हमारा स्ट्रीम पेज है, वहाँ पर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, I will show it to you, wait a second, तारुफ अली, कैन यू राइट द क्वेश्चन ऑन stream.alnafe, इस वेबसाइट पे जाके आप लिख सकते हो, मैं वहां से क्वेश्चंस लूंगा, मैं क्वेश्चंस अब वहां से लूंगा। वेट अ सेकंड गाइस, ये तारुफ अली ने लिखा है प्लीज टेक माय क्वेश्चन, तो हां इसे ले लेते हैं, सो माइक ऑन कर दो। हां जी, इनका लें क्वेश्चन लें, तो फैजान प्लीज राइट योर क्वेश्चन, ठीक है, हमारी टीम वहां बैठी है, तो आप वहां पे जाके पोस्ट करें अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब फैजान और अमार प्लीज राइट योर क्वेश्चंस ओवर देयर, आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा।
आपको अपने क्रेडेंशियल्स के लिए। वालेकुम सलाम तारू। वालेकुम सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आपने मेरा क्वेश्चन लिया। एक्चुअली मैं फादर हूँ, मेरी बेटी जो है रेगुलर स्टूडेंट है ओ लेवल्स की और फिजिक्स को फॉलो कर रही हैं। अभी थोड़ा सा कंसर्न इस वक्त ये है कि फिजिक्स का हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और हमने टीचर से कंसल्ट भी किया था, लेकिन अब कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। तो काइंडली मैंने यही क्वेश्चन वहाँ पर भी पुट किया है, तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं, लेकिन काइंडली अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा हमें बता दें कि ये फिजिक्स का कोर्स कब तक कम्प्लीट हो जाएगा, ताकि हम एक दफा हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक सब्जेक्ट में तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर सकें। क्योंकि हमें प्लान जिस तरह किया गया था, फैसल भाई ने भी ये जिक्र किया था कि हम फिजिक्स मैथ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम पहले कर लें तो ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा अच्छा है, लेकिन अलनाफे जो है हमें ओ लेवल जो कह रहे हैं वो उर्दू और इस्लामियात को उन्होंने प्रेफर किया है, तो दैट्स ओके जो भी चल रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी ऐसी स्टेज आ गई कि डेढ़ साल की स्टडी के बाद हम रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और अभी तक ब्रिलियम पे उसके असेसमेंट्स नहीं है, तो काइंडली इस सिलसिले में थोड़ा सा गाइड कर दें, क्या हम उसको डिले कर दें, अपनी रिफंड ले लें, क्योंकि एक तरह से थोड़ा सी कॉन्फिडेंस भी शेक हो रहा है बच्चे का कि वो उसको हम दोबारा से रिट्रीव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें अगर काइंडली आप फोकस करके हमें गाइड कर दें कि हमें ओ लेवल्स के लिए क्या करना चाहिए, सब चुके थे अब हम क्या करें, हम डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाह रहे और इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और अभी तक सो फार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन जब तक कोई अकम्पलिशमेंट नहीं आएगी तो हम उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे ना किसी और को बता पा रहे हैं ना बच्ची में खुद वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो काइंडली इस सिलसिले में आप जरूर हमें गाइड कर दें, अभी क्वेश्चन में जितना कर सकते हैं या थ्रू रिस्पॉन्स। आई विल बी वेटिंग, आई एम वेरी डेस्परेट, थोड़ा सा हमें इसमें परेशानी है सर, थोड़ा सा। जी, आई सॉ योर क्वेश्चन, थैंक यू इफ यू कैन आंसर दैट। जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आपका ये मैंने क्वेश्चन, यू पोस्टेड द सेम क्वेश्चन ऑन आवर स्ट्रीमिंग पेज, सो वेरी काइंड ऑफ यू। जिशान भाई इधर हैं, जिशान भाई एकेडमी को लीड कर रहे हैं। जिशान भाई, इनका फिजिक्स की असेसमेंट के हवाले से क्वेश्चन था, इफ यू वुड लाइक टू हेल्प हिम आउट। हां जी, तारू साहब अभी हैं? हाँ जी, प्लीज हियर, मैं को-होस्ट बना। तारू साहब आ रहे हैं अपनी कन्वीनियंस पे। जी जी सर, आई एम हियर। जी, अस्सलाम वालेकुम तारू साहब, हम जिशान। तारू साहब, कल मेरी हिजाब फातिमा से बात, मैंने मेल का जवाब दिया था हिजाब को। हिजाब एक्चुअली वाज शी आस्क अबाउट द फर्स्ट लैंग्वेज एंड द सेकंड लैंग्वेज एंड रिप्लाइड हर ऑन टाइम। ओके, सो वो एक अलहदा बात है। अभी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके सामने हर चीज मौजूद है। आपने फिजिक्स की बात की ना, ठीक है, देखिए फिजिक्स हमारे साथ, फिजिक्स में हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि फिजिक्स का कोर्स, देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें फिजिक्स का कोर्स मौजूद है, ठीक है। वो होता है ना कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक जैम होता है, ठीक है। हम जब ड्राइव करते हैं और ट्रैफिक जैम होता है तो हमारा मकसद क्या होता है, हमारी गाड़ी निकल जाए किसी तरह, ठीक है ना। हम ये नहीं, अगर हमारे पीछे हम अगर सिग्नल से गुजर गए हैं और सिग्नल हमारे गुजरने के बाद रेड हो गया तो हम ये नहीं देखते कि पिछली गाड़ियां जो हैं वो रुकी हुई हैं या फिर खड़ी हुई, हम अपना रास्ता देंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक प्राइम फोकस करना चाहिए कि हमारा, आपका, मेरा और आपका प्राइम फोकस है हिजाब, एम आई राइट? जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो पहला पॉइंट फोकस हो गया कि हमारा फोकस हिजाब फातिमा है, ठीक है, हमारा और कोई फोकस नहीं है। अब जरा देखते हैं हिजाब की चीजें, ठीक है। देखें, बच्चे जो होते हैं ना उनको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलते हैं पहले, ठीक है। आपने रही बात, मुझे पता है आपने ब्रिटिश काउंसिल की फीस सबमिट करा दी है, उसको वापस मत लीजिए। हिजाब को बोलेंगे बेटा जितनी तैयारी है जितना कर सकती हो तुम, आपको, आप बेटा एग्जाम में अपियर हो, इससे दो फायदे होंगे। पहली बात है कि हिजाब फेमिलियर हो जाएगी कि एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंट क्या होगा, किस तरह उसको एंटर होना है, किस किस्म का उसका पेपर आएगा, जिससे एक मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, या प्रीलिम्स होते हैं, एक इम्तहान से पहले इम्तहान का टेस्ट ले लेना, ठीक है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक पेपर में तीन तीन बार अटेम्प्ट होते हैं, क्योंकि पहली बार अगर उनका बी ग्रेड आता है तो बोलते हैं नहीं सर हमारा बी ग्रेड अच्छा नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो ए पर भी मुतमइन नहीं होते, वो बोलते हैं नहीं सर हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, हम ए स्टार लेंगे। वो
एक बच्चा कई जिस तरह आईएलएस के कोर्सेस होते हैं, आइट्स में क्या होता है, आपका 6.5 बैंड आया, आप उसे मुतमइन नहीं है, आप फिर अटेम्प्ट करते हैं, 7 बैंड आ गया, आप फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट एंड री अटेम्प्ट। तो सबसे पहले हमारा फोकस ये है कि हिजाब इस मरतबा जून में जो फिजिक्स का पेपर है और मई में जो फिजिक्स का पेपर है उस वो लाजमी अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये होगी दूसरी बात, पहली बात ही हमारा प्राइम फोकस हिजाब है, दूसरी बात हमारे हिजाब को एग्जाम में बिठाना है कि हिजाब बेटा आप बिल्कुल आप बैठे एग्जाम में और आप ये नोट करें कि आप एग्जामिनेशन पेपर को किस तरह से, रियल एग्जामिनेशन एनवायरमेंट को किस तरह से आप परसीव कर रही हैं। अच्छा, फिजिक्स का कोर्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तारा साहब? जी जी जी, मैंने म्यूट रखा हुआ ताकि कोई नॉइज ना हो, तो या आई एम लिसनिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप देखें कि जीरो चैप्टर से लेकर ये हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, आप देखें सिलेबस की लेंथ नजर आप देखिए, ये देखें चलता जा रहा है 27 चैप्टर्स, ठीक है जी। ओके, सो सबसे पहले इस बात को मेक श्योर कीजिए कि हिजाब ने ये 20, ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि 27 चैप्टर्स यहाँ कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको अगर केमिस्ट्री का कोर्स दिखाता हूँ मिसाल के तौर, मैं आपको केमिस्ट्री का कोर्स दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी फिजिक्स में कि हमारे जो टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे थे कुछ ही हैज बिकम विक्टिम ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, कुछ उनके हेल्थ इश्यूज थे, जिससे वो, आपको जाहिर है अभी कोविड का दौर गुजरा है, आप इस वक्त सबसे बेहतर चीज़ है कि इंसान जिंदा सलामत जीता जाता सांस लेता मौजूद हो, ठीक है ना। तो उन्होंने काफी अपने तरफ से बहुत अच्छा जो वो कर सकते थे वो उन्होंने दिया, अपना बेस्ट उन्होंने दिया। उसके बाद भी हमने देखा कि हमारे कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है ना, हमारे जो टीचर थे वो उसको अकेले नहीं रन कर पा रहे, तो हमने फिर एक और टीचर इंडक्ट किया। अब वो जो टीचर हैं वो हमारे दिए हुए प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपने ये देखिए, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है। अगर हिजाब इस वक्त केमिस्ट्री में होती तो उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो इस वक्त स्ट्रक्चर्ड है और जो फिजिक्स का कोर्स है वो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जब तक आपकी मैनेजमेंट से बात ना हो तब तक आप पैसों का कोई स्टेप ना उठाए। मिसाल के तौर पर आपने कहीं फीस पे करनी है, टॉक टू द मैनेजमेंट। मैं हर लाइव सेशन में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, मेरे पास हिजाब के मैसेजेस आते हैं, हिजाब ने मुझसे डायरेक्ट रब्ता क्यों नहीं किया, आपने मुझसे डायरेक्ट रब्ता क्यों नहीं किया। अगर फीस 20,000 रुपए है तो आप 20,000 मरतबा सोचें। मैं तो अन्नाफे पे जो है कहता हूँ कि अगर 5,000 रुपए हमारी फीस है तो फीस मत पे करें, सबसे पहले ट्रायल कोर्स लें, मुतमइन हो, उसके बाद फी जो है पे करें। क्योंकि ऐसा होता है अकेडमी में किसी, अभी जैसे हमारे दो मेजर असातज़ा सब्जेक्ट में अभी नहीं बताऊंगा, फिजिक्स के अलावा बता रहा हूँ, दो मेजर असातज़ा के साथ एक बहुत बड़ा मसला हुआ है, वो अकेडमी वो शेक हो रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें उनको भी लेके चलना है, उनके 50 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनको लेके चलना है, ये बहुत बड़े मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको फीस पे करने से पहले टॉक टू द मैनेजमेंट, ठीक है। बट अगर आपने फीस पे कर दी है तो प्लीज उसको विड्रॉ मत करें, हिजाब को बैठने दें एग्जाम में। अच्छा, जो चीजें अवेलेबल हैं, जो कुछ अवेलेबल है, जैसे मैं आपको ये मतलब दिखा रहा था जो है केमिस्ट्री का, इसमें आप देखिए, इसमें हर चीज अवेलेबल है, देखिए समेटिव असेसमेंट तक अवेलेबल है, ठीक है। और देखिए थ्योरी, प्रैक्टिकल, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, ये सब चीजें अवेलेबल है। देखिए मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के कोर्स अभी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो मैं आपको फी जो है वो फुल रिफंड कर देता हूँ, हालांकि मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए 10-20,000 रुपए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप हिजाब को रियल इन्वायरमेंट दीजिए। लोग 40-40,000 रुपए, 30-30,000 रुपए आयल्स की फीस पे करते हैं सिर्फ बैठने के लिए, तो
तो आप देख रहे हैं कि ये केमिस्ट्री का कोर्स जो है वो बिल्कुल 100% कंप्लीट है, और सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। प्रॉब्लम हमारे साथ सिर्फ आई है फिजिक्स में, इसीलिए हिजाब फातिमा जो है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हिजाब फातिमा का कोर्स कंप्लीट नहीं है। देखिए, जो चीजें इनकम्प्लीट हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एग्जामिनेशन से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। लेकिन हिजाब को आप इस महीने जून में भी एग्जाम में अपेयर होने दीजिए, और हिजाब को आप नवंबर में तो बोलें कि बेटा फाइनल है, बिल्कुल आपने नवंबर में तो एग्जाम देना ही देना है, ठीक है ना। और जो चीजें अभी अवेलेबल हैं उनको पढ़कर वो एग्जाम देते हैं, और सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, उनको ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल भी देना होगा, उनको थ्योरी भी देनी होगी, उनको एमसीक्यू पेपर भी देना होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजों पर वो काम करेंगे। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप हिजाब को कहिए कि बेटा आप इस जो जून में जो एग्जाम है जिसकी फी आपने पे कर दी है, आप इसको एज अ मॉक टेस्ट लीजिए, एज अ टेस्ट लीजिए, कि जस्ट आपने एनालाइज करना है कि आपकी 40% प्रिपरेशन है, आपको कितनी चीज। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, एग्जामिनेशन एनवायरमेंट का जो फियर होता है, जो एग्जामिनेशन एनवायरमेंट का जो स्ट्रेस होता है, उसमें जाकर वो इतने डिस्करेज होते हैं कि वो ए स्टार वाले स्टूडेंट भी जब उनका रिजल्ट आता है तो वो बी ग्रेड के ऊपर आ जाते हैं। So it's a good opportunity to hijab imtihas to get appear in the final examination as a mock test and then re-attempt in November. मेरे ख्याल में ये मैं आपको recommend करूँगा। सर इसमें सर एक चीज ऐड कर दूं कि सर मैंने जो हिजाब ने जो फिजिक्स के टीचर हैं उनसे ईमेल के थ्रू कंफर्म किया। I have the recording. जी मुझे पता है, लेकिन तो, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो एकेडमी टीचर्स हैं वो सिर्फ करिकुलम पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप पैसों की कोई भी बात है तो प्लीज आप किसी सिर्फ अन्नाफे नहीं किसी भी इदारे में अगर पैसों की बात है तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करें। इवन अगर आप हिजाब के स्कूल में भी अगर हिजाब स्कूल अगर जाती हैं तो हिजाब के स्कूल की जो फीस है या कोई भी पैसों का मामला है वो आप टीचर से बात नहीं करते हैं, वो आप प्रिंसिपल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ये बेहतर होता कि आप जो है वो मैनेजमेंट को, या मैं तो हर इतवार को बैठता हूँ और मैं व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, ईमेल भी देता हूँ, 20,000 रुपए पे करने, इस वक्त 20,000 की बात नहीं है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैंने आपने फीस तो जमा कराई ब्रिटिश काउंसिल में, मैं आपको ये ऑफर करता हूँ कि मैं आपको ब्रिटिश काउंसिल की फुल फी जो है दे देता हूँ, ताकि फाइनेंशियल इशू अगर कोई है तो वो रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अकेडमी की फीस पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ तो ये आपका राइट है कि आपके पैसे सही जगह इस्तेमाल हों, ये आपका राइट है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर अर्ज जो है करूंगा, प्लीज आस्क राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है सर, फॉर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह जरूर आपसे जो है किसी ना किसी मैनेजमेंट पोजीशन से जरूर कंसल्ट कर लेंगे। अभी बस राइट नाउ ये सिचुएशन थी कि वो कॉन्फिडेंस अगर हम उसको विथड्रॉ करते हैं देन शी आल्सो लूजेस हर कॉन्फिडेंस एंड इफ शी गोस फॉर द पेपर एंड and gets bad grades then it's also a confidence shaker. So ये दोनों एंड पे जो है हमारे पास विन-विन सिचुएशन किसी सूरत में नहीं आ रही थी। अभी मैं आपको एक चीज शो करता हूँ, अभी मैं आपको एक चीज शो करता हूँ, आप जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त सी चीज शो कर रहा हूँ। देखिए आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, देखिए ये एक बच्चे का असेसमेंट है, देखिए मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, देखिए ये उस बच्चे का असेसमेंट है, ठीक है ना। उस बच्चे ने ये असेसमेंट 4 बार दिया, जब पहली मर्तबा असेसमेंट दिया तो उसने 19 नंबर हासिल किए, इट मींस लेस देन ई ग्रेड, एम आई राइट, उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ। उसने फिर जो है अटेम्प्ट किया, उसके 39 नंबर आए, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल हुआ। उसने फिर 2 असेसमेंट दिए और दोनों असेसमेंट में उसके 99 आए। तो देखिए स्टूडेंट को आप ये ना कहें, हिजाब को ये ना कहें कि बेटा आपका बैड रिजल्ट आएगा, नो, बैड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें, हम तो एनालाइज कर रहे हैं ना, किसी भी चीज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज आप हिजाब के सामने बैड रिजल्ट का नाम हरगिज यूज ना करें, आप उसको बोले बेटा जज
judge yourself, become independent, face the real world, what real world is. तुम अभी दुनिया में आओगी तो तुम्हें बहुत सारी नाकामियां और कामयाबियां देखनी होंगी. फेलियर का ये मतलब नहीं है, फेलियर का मतलब है कि नाउ यू आर रेडी टू री अटेम्प्ट. ठीक है ना, मैं उसको फेलियर का लफ्ज नहीं बोलता. हमारे बड़े बड़े स्कूलों में जगह जगह बोर्ड जो है लगे हुए कि नेवर गिवन, नेवर गिवन. ठीक है ना, एक बहुत मशहूर पोएम है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, उसमें यही होता है ना कि जो किंग ब्रूस होता है उसके आयरलैंड की उसकी हुकूमत जो है वो छिन जाती है. वो एक स्पाइडर को देखता है कि वो स्पाइडर दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, बार बार चढ़ती है गिर जाती है, बार बार चढ़ती है गिर जाती है, आखिरकार वो ऊपर पहुंच गई. तो वो इतना इससे इंस्पायर हुआ, उसने अपना कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाई है और उसको बताएं कि बेटा देखें ये नाकामियां, देखें गजवा बदर में मुसलमान फतेहयाब हुए थे लेकिन गजवा उहद में मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उससे उनका इस तरह अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, यही तो टेस्ट है लाइफ का. ठीक है ना, आप अपने बच्चों को जिस मोहब्बत से और जिस केयर से कर रहे हैं ये आप हमारे लिए एक काबिले तकलीद मिसाल हैं के, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे फोरम पर आएं और दूसरे पेरेंट्स को आप इनकरेज करें कि आपकी बच्ची ने किस तरह से टेंस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. ठीक है ना, तो अब आप मुझे बताएं कि अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप मुझसे क्या चाहते हैं. जी सर, थैंक यू, आपने इतना डिटेल. ये भी बताइए कि आप मेरे जवाब से मुतमईन हुए कि नहीं हुए. जी मैं बिल्कुल ये चीजें सब बिल्कुल पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर ये असेसमेंट सॉरी एग्जाम्स में बैठ जाती है तो नथिंग टू लूज, एक आइडिया होगा, एक फियर ऑफ एग्जाम्स खत्म होगी वो चीज. लेकिन अगेन वो चीज है कि अगर बैड रिजल्ट तो इसको जरूर हम थोड़ा सा हैंडल करते हैं केयरफुली, कि ये वर्ड यूज नहीं करते कि बच्ची जो है अगर वो देखती भी है तो उसको प्रॉब्लम ना हो, ईज ऑफ पीस ऑफ माइंड के साथ वो अटेम्प्ट कर सके. अब आप एक और चीज देखिए स्क्रीन पर, देखें अ स्टूडेंट नेम समीउज़्ज़मा. ठीक है ना, उसने अटेम्प्ट किया ब्रिलियम पे, 82 मार्क्स आए. उसने फिर अटेम्प्ट किया, उसके 88 मार्क्स आए. उसने फिर अटेम्प्ट किया, उसके 91 मार्क्स आए. फिर वो बैठा फाइनल एग्जाम में, फिर उसका ए ग्रेड आया. ठीक है ना, उसने एक असेसमेंट अटेम्प्ट किया, 83 नंबर आए. उसके बाद उसने उसको दूसरे इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की कि उसमें भी वो 88 नंबर हासिल करता, फिर 91 नंबर हासिल करता, उसके बाद फाइनल एग्जाम में जाता, उसका बी ग्रेड आ गया. अगर वो इसमें मेहनत करता तो उसका इसमें भी ए ग्रेड आता. सेकंड स्टूडेंट देखिए खनसा, दो मरतबा उसने अटेम्प्ट किया 100 मार्क्स, फिर अटेम्प्ट किया 100 मार्क्स, देखिए उसका ए स्टार आ गया. लेकिन वही स्टूडेंट इस्लामियात में देखिए 100 नंबर अटेम्प्ट किए, लेकिन जब एग्जाम में गए तो उसका ए स्टार नहीं आया, उसका ए आया. क्यों? क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी थी जो उसने हमसे डिस्कस नहीं की, वरना उसमें भी इसका ए स्टार आता. फिर एक और सब्जेक्ट है, मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया, उसमें उसने उसको उसका कैजुअल बिहेवियर था, उसने कोई ब्रिलियम असेसमेंट या कोई बात देखिए उसमें उसका सी ग्रेड आया. मैंने खनसा को कहा कि बेटे आपने इस पेपर में अटेम्प्ट क्यों, आपने फीस जमा क्यों कराई जब आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया ब्रिलियम असेसमेंट. एक और स्टूडेंट देखिए 0 नंबर लिए क्योंकि उनका इनकम्प्लीट असेसमेंट रहा, उन्होंने जाके फीस जमा करा दी, उनका बी ग्रेड आ गया. अगर वो भी सैयद समीउज़्ज़मा जो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है हमारे, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, अगर वो उनकी तरह अपना असेसमेंट लेती अटेम्प्ट करते तो उनका फिर सी के बजाय ए आता जो समीउज़्ज़मा का आया. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि बच्ची को बैड रिजल्ट ना दें. जी अब आप इस गुफ्तगू को कंक्लूड कर सकते हैं. जी थैंक यू सर. जी बस सही है, एटलीस्ट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं ताकि वो अटेम्प्ट अगर कंफर्टेबल है बैठने में तो बैठ जाए. और बाकी ये कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगर अगर ये थोड़ा सा लेट भी होता है तो बिफोर नवंबर जो है हमारे पास ब्रिलियन असेसमेंट फिजिक्स की अवेलेबल होंगी. तो इस सेंस में बस अगर आप कुछ बता सकें, कॉन्फिडेंस दे सकें, बाकी अदरवाइज थैंक यू फॉर योर टाइम. बस ये बता दें कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट तक नवंबर तक कंप्लीट हो चुका होगा ये. जी श्योर, इंशाल्लाह ताला. देखिए ना हम अभी इसमें
हम इसमें शेक कर रहे हैं. देखिए हम हमारे पास अरबिक, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथ, फिजिक्स, उर्दू, इन सब के असेसमेंट हमारे तैयार हो रहे हैं. कुछ के बन चुके हैं, कुछ के अभी अंडर प्रोसेस हैं, उसकी डेट्स हम अभी डिसाइड कर रहे हैं. तो ये वो असेसमेंट है जो हम फाइनल एग्जाम के लिए कर रहे हैं. जो रेगुलर होते हैं क्विज वगैरह वो पोर्टल पर हैं. अगर आप देखें, मैं आपको अगर बता दिखाऊं अगर इसमें तो आप देख सकते हैं कि देखिए मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर करता हूं. देखिए इसमें जो ये ब्रिलियम असेसमेंट्स है ना वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स में जैसे एमसीक्यू हो गए, ठीक है, क्विज हो गए, ये सब चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है ना. तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हिजाब का स्टडी प्लान मेरे साथ शेयर्ड हो. हिजाब का अगर स्टडी प्लान मेरे साथ शेयर्ड नहीं है तो बहुत मसला आ जाएगा. हिजाब को कहें कि वो इस तरह का एक स्टडी प्लान बनाए, जैसे मैं अभी आपको शो करता हूं. ये इस तरह का जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में भी आपको दिखाया था, ये आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये स्टडी प्लान दिखाएं. ये स्टडी प्लान कि अगर उन्हें फाइनल एग्जाम नवंबर में देना है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट 1 मार्च है. 1 मार्च तो गया, अब तो 1 अप्रैल आएगा, ठीक है ना. तो 1 अप्रैल से एग्जाम डे तक उन्हें रिविजन का भी टाइम रखना है. आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और मुझे बाहर है तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं. इस हिसाब से एक तो अपना स्टडी प्लान बनाए कि किस महीने उसने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का. उसके साथ साथ वो अपनी डेली रूटीन बनाए. मिसाल के तौर पर अभी बहारे मुंतहा का जो मेरे पास आया है, उसने ये तक लिखा है कि वो साइकिल किस टाइम पर जो है वो बाइक राइडिंग करेगी, उसने ये तक लिखा हुआ है. मैं बच्चा और मेरे पास जो बच्चे जो है भेजते हैं वो ये तक भेजते हैं कि वो बेड टाइम स्टोरी किस वक्त बैठ कर पढ़ेंगे, वो नमाज किस वक्त बैठ कर पढ़ेंगे. ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास रिकॉर्डेड होती है. तो मुझे हिजाब का भी एक टाइम टेबल चाहिए. आप इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए. इवन वो किस टाइम सुबह फजर की नमाज पढ़ेगी, किस टाइम इशा की नमाज पढ़ेगी, सब चीजें लिखी होनी चाहिए. अगर वो कैट कोर्स, और प्लीज आप हिजाब को कैट कोर्स जरूर पढ़वाइए. कैट कोर्स से हिजाब इतनी इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि आपको अंदाजा नहीं है. इसका एक बराह रास्त फायदा यह होगा कि कंप्यूटर में उसके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे, साथ ही साथ उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, क्योंकि कैट कोर्स में हम आयर्स भी ऑफर कर रहे हैं. तो उसकी इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, उस सब के ऊपर मेहनत होगी. तो कैट कोर्स करने से ना सिर्फ उसके अंदर स्किल्स पैदा होंगी, बल्कि उसकी इंग्लिश और कंप्यूटर भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी. आप अपनी बच्ची पे को कॉन्फिडेंस दीजिए और उसको हर चीज दीजिए कि बेटा ये भी पढ़िए. मिसाल के तौर पर हमारे वालिद साहब थे या हमारे मेरी मिसेज हैं माशाल्लाह, कि हम लोग किताबों के बहुत ज्यादा जो है शौकीन है, ठीक है ना. तो आप भी अपने बच्चों में ना किताबों का शौक पैदा कीजिए, कोर्सेज का शौक पैदा, नई से नई चीज उसको दीजिए. फिर बच्चे को बोले कि बेटा मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया है, अब आपने खुद इससे बाहर निकलना है. बच्चा खुद निकलेगा. स्ट्रेस दीजिए, कुछ स्ट्रेस बच्चों को. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करूं जरा. जी जी प्लीज, मैं स्टॉप कर रहा हूं. अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह जी. मैंने कहा मैं एक दो सवाल लेता हूं, जरा बात करता हूं. जी बिस्मिल्लाह कीजिए. यहां पर किनसे किनके सवालात रह गए? सर तारुफ अली भाई का हो गया, मोहम्मद अशफाक भाई का रह गया. मोहम्मद अशफाक भाई आप क्वेश्चन कर लें. जी बोलिए अशोक सर. सलाम अलैकुम जी. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू. जी तारिक भाई वालेकुम सलाम. सर ये जो हिजाब है बच्ची, इसका मसला क्या था? ये मुझे समझ नहीं आया कि मैंने मेरे पास केस आया था, मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया था फोन से. असल में जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ा स्ट्रिक्ट क्यूए प्रोसेस है मेरा. उसमें कुछ टीचर्स ने मेरा क्यूए प्रोसेस पास किया, ठीक है ना, और वो जिशान अख्तर साहब ने बनाया है, और कुछ ने जो नहीं कर सके, राइट. तो फिजिक्स वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसके कुछ सब्जेक्ट, इसके कुछ चैप्टर्स आए हैं ये, लेकिन ना इसके लिए एक हमारे पास एक बड़ा अच्छे डेडिकेटेड टीचर मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं भी इनसे बात करता हूँ, ठीक है. तो दिस विल बी हैंडल स्विफ्टली, क्योंकि मैंने पहले भी कहा इनसे दरवाजा बंद कर, प्लीज आप ऊपर से आवाज बंद कर दीजिए.
कोई भी ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से जो है ना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की लाइफ और माँ बाप की जो है ना जिंदगी की खून पसीने की हलाल कमाई है, तो वी कैन नॉट टेक एनी जो है ना, आप कोई ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर सकते जिससे उनको नुकसान हो, राइट। तो मुझे फिजिक्स के जो टीचर हैं, क्योंकि हमारा ब्रिलियम हमारा सेंटर पीस है, बिकॉज ये वो चीज है कि जो हमने टेस्टेड है ना, बैटल हार्डन टेस्टेड है कि जो पास करता है, जो हम नंबर देते हैं वही नंबर वहां आते हैं, वो टेस्टिंग हो जाती है उसकी एग्जाम के हिसाब से। तो वो जो फिजिक्स के टीचर हैं उनसे ब्रिलियम असेसमेंट्स जो है ना, टेक्निकली वो इतने चैलेंज है कि उनसे बन नहीं रही, और इतने क्रिएटिव नहीं है कि वो इतने अच्छे क्वेश्चंस बना सके। क्योंकि देखें ब्रिलियम सवाल क्या है, हमारे टीचर्स वैसे ही मैं उनसे सवाल बनवा रहा हूँ जैसे कैम्ब्रिज का सवाल आता है, तो अगर उसने हमारा सवाल एस कर लिया तो वो कैम्ब्रिज का भी एस कर सकता है, राइट। तो वहां पर जो है ना उसके साथ मसला हुआ है, बट नॉट टू वरी इंशाल्लाह। आई मीन ये इसी वीक जो है ना सारा रिजॉल्व करता हूँ मैं, ये मेरे ऑलरेडी मेरे रडार में है, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको इसके ऊपर अपडेट दे दूंगा तारिक भाई, और कंप्लीट इंशाल्लाह वो दे दूंगा, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। जी जी जी। अच्छा, थोड़ी सी एक मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि हम लोग यहाँ संडे को जो बैठते हैं ना, वो असल में तो एकेडमी के लिए बैठते हैं, नॉट फॉर द कैट। तो थोड़ा सा आप देखें कि टाइमिंग जो है ना हमारी जो एकेडमी पे लगा है, तकरीबन समझ लें अभी 1.5 घंटा हो गया, तो उसमें से समझ लें कि एकेडमी का जो हमारा था ना डिस्कशन, दैट इज ऑलमोस्ट 1.5 आवर, और जो कैट का था वो 1 आवर का था। तो थोड़ा सा हमें इस सेशन में एकेडमी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एकेडमी के सेशंस जो हैं वालदैन के लिए, जो वालदैन घरों में बैठे होते हैं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में, इनके लिए जो है ना मुस्तकिल सेशंस चलते रहेंगे, और वो सुबह 9 बजे भी एक सेशन होगा, 9 से 10, उसमें रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे, ब्रॉडकास्टेड सेशन भी होंगे, लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी होगी, रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्टिंग भी होगी। तो वो एक पूरा जो है ना एक टैक्टिकल प्लान जो है ना यूसुफ रियाज के साथ मैं बना रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के मिड में खत्म हो जाएगा, और जब मुझे दिशान की तरफ से ना जो है ना प्रेजेंटेशन सारी मिल जाएंगी, तो उसको हम लोग ना चलाना शुरू कर देंगे, और दिशान जो है खुद भी वो बैठा करेंगे, मतलब कि पेरेंट्स के लिए पहले हम जरा प्रेजेंटेशन चला लें, जरा देख लें, उसके बाद ना फिर आस्ते आस्ते हम लोग उसके ऊपर करेंगे। तो ये असल में प्रॉब्लम ये कि ना उसका स्टीप ओवर रोक नहीं सकते, बच्चे आ जाते हैं तो सवाल पूछ लेते हैं, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चे है ना, यही कैट जो है ना, जो कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक है, जैसे मैं कल बता भी रहा था, दिस इज द फाउंडेशन एलिमेंट के जो बच्चों को चाहिए, जो वालदैन को चाहिए, क्योंकि वालदैन पढ़ा तो रहे हैं स्कूल, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करना है। मैं इस नसीब में जो है ना बड़ी एक खुशकिस्मती अल्लाह की तरफ से बहुत फॉर्चुनेट था मैं, कि जब मैं स्कूल में भी पढ़ रहा था, ठीक है ना, जब मैं ओ लेवल्स ए लेवल्स भी कर रहा था, उस जमाने में मुझे जो है ना ये हमारे जो घर के सामने मस्जिद थी, तो वहां पर तबलीगी जमात में हमें खिजर हयात साहब मिले, मुझे खिजर हयात, उनका नाम खिजर हयात था, खिजर हयात जो थे उन्होंने मुझे जो है ना 98 में जो है ना सीसा का बताया था, बताए, ठीक है। तो उस जमाने में मुझे पता था, और उन्होंने कहा कि बेटा देखो तुम कर रहे हो ना पढ़ते पढ़ते, तुम ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर जब मैं, और वो अमेरिका से आते थे, फिर मेरे साथ यूके में भी वो मिले, वहां भी उन्होंने यही कहा, तो माशाल्लाह, यानी कि ना उन्होंने कहा कि देखो तुम वहां से यहाँ पहुंच गए, अब तुम्हें ये लाजमी करना है, मैं तुमको बता रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं करूँ, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको पकड़ के रखा मेरे ऊपर, कि भाई इसको बोलो ये करे, इसको बोलो ये करे, इसको बोलो ये करे, इतनी दफा वो मुझे बोलते थे, मैंने कहा अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, और मैंने किया, और अल्लाह ताला के फजल से ना हम पे लग गया, और अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ ले आया। तो ये अल्लाह का खास फजल था, तो मैं कभी सोचता हूँ पीछे जाके कि भाई कौन उसको लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही तुतिम्मु सालिहात। तो अगर वो नहीं होता, अब तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो CFO थे, इतनी बड़ी इनकी दाढ़ी थी, टोपी पहनते थे, जिस तरह आपके साथ मेरी 2005 में मुलाकात हुई थी, जिससे मैंने आपको ऑफिस में देखा था, ऐसे ही थे वो, लेकिन लंबा कद था, और साथ में जो है ना वो CFO थे अमेरिका में फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इसी तरह वो अमेरिका में CFO की तरह जाते थे। तो मैंने कहा जब ये बंदा जा सकता है इस तरह ऑफिस, तो फिर मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी इस तरह ऑफिस दिया, ठीक है। तो मैंने कहा भाई, क्योंकि ना लोग बोलते थे कि यार टोपी उतार दो और ना दाढ़ी ट्रिम कर लो और फिर तुम ऑफिस चले जाओगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा यार ये जब जा रहा है तो फिर अल्लाह ताला इसके कर रहा है, फिर अल्लाह मेरा भी करेगा, मैं भी इस तरह चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ है,
जो ना ये चीज जो ना जो कैट है ना कैट समझें कि जो चीज अब जिस चीज की जरूरत है ना बच्चों को हम पहले से ही बता रहे हैं कि भाई कर लो इसको अभी से कर लो अभी से पढ़ना शुरू करो 2-2.5 साल में जब तक तुम ओ लेवल्स ए लेवल्स खत्म करोगे 2-2.5 साल 3 साल में तुम कैट डेवऑप्स ये खत्म करके इस काबिल हो जाओगे कि तुम लोग बहुत अच्छे यानी वालदैन से इंडिपेंडेंट हो जाओ इंडिपेंडेंस दिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है ना तो उसके लिए जो है ना सारा फोकस है हमारा इसके ऊपर इंशाल्लाह तो जी बताइए आफाक क्या नाम था उनका जी सवाल पूछिए बताइए आप बोलिए आफाक साहब मोहम्मद आफाक साहब अशफाक मोहम्मद अशफाक अच्छा अस्मा नाज बहन बोलिए आप क्या क्या सवाल है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी सर मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी थी कि मुझे छोटे बच्चों के लिए सिलेबस का लिंक चाहिए था मैथ ब्लॉक से मैंने लिया हुआ आपका वो करवा रही हूँ मैथ से हाँ बहन मैंने मुझे टाइम नहीं मिल रहा इंग्लिश की हमने बुक्स डिजाइन करवाई हैं जो हमारी इस्लामियत की जो टीचर हैं वो और 3-4 लोगों को मैंने मिलवा के पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया था वो कंप्लीट पहला फेज उसका कंप्लीट हो गया हमें प्रिंटिंग करवानी उसकी और वो मैं बात करता हूँ आज ट्यूसडे तक मैं बात करता हूँ जिनसे करवानी है उनको भिजवा देते हैं ताकि उसके काम हो सके क्या नाम है मैंने एक लिस्ट तरतीब दी है मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई जना हमें आप एक बुक ऑफ मतलब कि पूरी लिस्ट दे दें कि आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं तो वो मैं चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ मुझे एक 1.5 हफ्ता दीजिए रमज़ान भी आ रहा है अभी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रमज़ान में काम नहीं करता रमज़ान में डबल काम कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि जब रोज़ा रखा होता है ना तो फिर और ज़्यादा इंसान तेज काम करता है एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है कि ना बिल्कुल तो मैं इंशाल्लाह बस मैं बोल बोल कम सकता हूँ रमज़ान में बोलना मेरा काम होता है वैसे मेरा काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो मैं इंशाल्लाह उसको करता हूँ मैं एक रिलीज करता हूँ लिस्ट उसमें इंग्लिश साइंस और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स तो हमारी है और इंग्लिश और साइंस जो है ना आपने कहाँ से कवर करनी है साइंस की सारी बुक्स फ्री हैं मैग्रॉ पब्लिकेशंस की तरफ से जो कि यूएस में एक बहुत बड़ा ग्रुप है पब्लिशर है उसने पूरी बुक्स अपनी फ्री रख दी हैं वो जो बुक्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और मैं इसके लिंक्स भी दे दूंगा आपको और कैलिफोर्निया का जो कैलिफोर्निया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने बोर्ड के ऊपर अपने एक उनकी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने एक जगह पे सारी बुक्स रखी हुई हैं जो कि आप मतलब कि साइंस के हिसाब से जो आपके बच्चों को पढ़ानी चाहिए मैथ्स की भी हैं लेकिन वो मैथ्स आप ऐसी सप्लीमेंटल अगर आप मैथ ब्लॉक्स के साथ मैथ ब्लॉक्स में आप विजुअली जब करते हैं आसान हो जाती है ना उसमें मैथ्स वही है जो पाकिस्तान में जिस तरह से कराई जाती है तो वो आप बुक्स लेके एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप दे सकती हैं मैथ ब्लॉक्स के साथ उसको आप इन्फ्यूज कर दें लेकिन वो तीनों चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी तो गिव मी अनदर 1-2 वीक्स आई विल पब्लिश इट आई विल इन्फॉर्म एवरीवन कि ये चीज़ है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है मुझे याद दिला आपके पास मेरा नंबर है बहन फोन नंबर है आपके पास मेरा आपके पास नंबर है मेरा अस्मा बहन नहीं मेरे पास नहीं नंबर आप नंबर ले मैसेंजर पर मैंने आपको काफी दफा मैसेज किया है बेन वो मैसेंजर पे इतने मैसेजेस हैं कि मैं देखता ही नहीं ठीक है बहुत कम नजर पड़ती है और अगर मैं नहीं देखता तो मेरे बच्चे कभी बैठते हैं तो वैसे ही वो कोई चीज उनसे खुल जाए इधर उधर उंगली मार रहे होते हैं तो वो समझते हैं मैंने पढ़ लिया कभी मैं पढ़ लेता हूँ कभी नहीं पढ़ पाता मैंने नंबर दे दिया नंबर मैं जरूर देखता हूँ उसमें आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपका नाम सेव कर लेता हूँ सिस्टर अस्मा तो फिर मैं उसमें आपको जवाब दे दूंगा ठीक है इंशाल्लाह जिसका नाम सेव नहीं होता उसका भी नंबर मैं नहीं मैसेज मैं नहीं पढ़ता ठीक है इंशाल्लाह अभी भी किसी से बात करते करते किसी ने मैसेज किया मतलब कि ना ये 3000028536 किसी ने मैसेज किया इतने सारे मैसेजेस 11 मैसेजेस किए उसने मैं क्या जवाब दूंगा उसका और मतलब कि 1200 से ऊपर मैसेजेस हैं यहाँ पर 1200 है 12000 है पता नहीं क्या है एनीवे और किसी के कुछ सवाल आते हैं अच्छा हम आपको ये बताते चलें कि जी जैद साहब बोलिए आप बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम सर
सर मैंने मैट्रिक करा था 2021 में, तो मैं बोल रहा था कि अभी मैंने कैट भी ज्वाइन कर लिया, मुझे ऑलमोस्ट 3 months होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कैट की बेस पे यूई में जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यूई में रहता हूँ, तो एज अ यूई और मैट्रिक मैंने करा हुआ है, तो फिर मैं जॉब मिल सकती है मुझे क्या जैसे यूई में? यूई के अंदर हमें जॉब बिल्कुल मिल सकती है अगर तुम कैट के साथ जो है ना DevOps करो या CAD के साथ जो है ना पब्लिक ब्लॉकचेन करो। इस वक्त UAE के अंदर ब्लॉकचेन में बहुत काम है, बहुत ज्यादा जी, ठीक है। तो अगर तुमने UAE के अंदर काम करना है तो तुम अपने वालिदैन के साथ रहते हो जी, क्योंकि इधर तो सारे लोग बोलते हैं कि बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, जब मैं जॉब्स वगैरह देखता हूं ना, तो इसलिए आपसे पूछा था कि मैट्रिक की देखो ब्लॉकचेन के अंदर तो डिग्रीज अभी शुरू हुई है, तो ब्लॉकचेन के अंदर मतलब के डिग्री कहां से होगी? देखो तुम्हें अगर काम आता है, तुमने काम करके दिखा दिया, तुमने सब कुछ करके दिखा दिया, तुम्हारे सीवी में लिखा है कि तुम ब्लॉकचेन की सारी डेवलपमेंट करते आ रहे हो, सब कुछ करते आ रहे हो, तुम्हें कोई भी जॉब से बिठाने से रोक नहीं सकता, ठीक है। सर मुझे पाइथन पे इतना इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी वगैरह में इंटरेस्ट ज्यादा है, जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी वगैरह के अंदर, अगर तुमने दुनिया में तुमने अगर साइबर डिफेंस में काम करना है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में काम करना है, डिजिटल फोरेंसिक्स में काम करना है, स्काडा में काम करना है, डेवऑप्स में काम करना है, पब्लिक ब्लॉकचेन में काम करना है, एआई में काम करना है, बिग डेटा में काम करना है, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या है बताओ? दो तीन चीजें, एक चीज सबसे पहले कॉमन है, सबके अंदर आपको पाइथन होनी चाहिए, क्योंकि सारे टूल्स पाइथन में, वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं। देखो अगर तुम्हें कुरान, अगर तुम्हें कुरान से ही पढ़ना है, ठीक है ना, कोई साहब कॉल कर रहे हैं, अगर तुम्हें कुरान से ही पढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि तुम ना अपनी तजवीद वगैरह करो, तुम कह रहे नहीं मैं तजवीद स्किप करूंगा, सब कुछ स्किप करूंगा, ऐसे जाके कुरान पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ सकते। तो तुम्हें दिस इज लाइक तजवीद ऑफ टुडेज साइंसेस, दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, सारे जो टूल्स हैं वो पाइथन पे चलते हैं, इट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इतनी इंपॉर्टेंट कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर भी लिनक्स और पाइथन में सारा काम हो रहा है, लिनक्स वो पाइथन वर्जन 2 यूज कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए उसमें पाइथन में, एक्सपर्ट। देखो एक्सपर्ट होने में पाइथन का कोर्स हमारे डेवऑप्स का जो पूरा ट्रैक कराते हैं उसमें इतनी पाइथन है, उसमें 300 घंटे के ऊपर तो पाइथन है, बहुत पाइथन है, मतलब तुम खुद पाइथन बन जाओ, मतलब यार मैं खुद वो कंस्ट्रक्टर पाइथन बन गया, ठीक है, लेकिन लेकिन दैट टेक्स टाइम, राइट। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हें अभी पकड़नी है जॉब, अभी इस टाइम पर जी है ना यूई में, ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए जो है ना वो सीखना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें वो करनी पड़ेगी ब्लॉकचेन और तुम्हें वो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास डेवऑप्स अभी हम रिलीज कर देना तो मैं बोलता डेवऑप्स भी साथ में करो, तुम्हें दो चीजें साथ उसको लेके पकड़नी पड़ेगी, डेवऑप्स कैट के साथ डेवऑप्स पाइथन, क्योंकि दोनों जब तुम जाओगे वो बोलेंगे जी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करें, डेवलप करें और रोल आउट करें, तो डिप्लॉय तो तुम डेवलप तो तुम कर लोगे पाइथन के अंदर, हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें थोड़ी सी जावा पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करके सीखो क्या करवा रहे हो, उसके बाद तुमने कहा ठीक है सही है मैंने कर लिया, अब उसके बाद जब तुमसे बोलेंगे क्लाउड में डिप्लॉय करो, तुम्हें क्लाउड में काम ही नहीं आता, तुम्हें डॉकर्स क्यूबरनेटीज किसी पे काम नहीं आता, फिर तुम वहां फंस जाओगे, तो इसलिए डेवऑप्स फोर्स को तुम्हें कवर करता है, तो ये चीज तुम्हारे लिए जरूरी है, अदरवाइज जो ना यू विल हैव अ टफ टाइम। देखो मैं अगर लिखता हूँ ब्लॉकचेन जॉब्स यूएई, ठीक है, तो यूएई में इस वक्त मतलब कि ना एक जॉब पोर्टल के ऊपर जो है ना यहाँ पर देखो ब्लॉकचेन डेवलपर, ब्लॉकचेन लेजर का पेमेंट, ये बियांस जो है कंपनी है बाइनेंस व्हाटएवर, ब्लॉकचेन डेवलपर बिल्डिंग ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन डेल्टा। अब इसकी अगर जॉब डिस्क्रिप्शन अगर तुम देखो उसमें तुमसे वो कह रहे हैं कि भाई यूएई रीजन में काम है, तुम्हें एक्सपीरियंस वर्किंग डायरेक्टली विद टर्म्स एंड विद टीम्स एंड क्लाइंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम्हें ये पूछा है, सब चीजें मांगी हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जब तुम जेसॉन पाइथन और गो लैंग्वेज, हम इसे कह रहे किसी के ऊपर भी काम आता तो तुम बोला भाई मुझे पाइथन पे आ, सर ये गनीमा से एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना इसका, तो 1 ईयर वगैरह जब तुम पढ़ोगे, तुम्हारे पास अगर 6 महीने की भी छाप लगी हुई हो ना कि तुम POCs बनाते हो यूजिंग हाइपरलेजर इथेरियम के ऊपर, और तो वो तो तुम आराम से जाके काम कर सकते हो, तुम्हारे तुम अपने वाले से ज्यादा पैसे कमा रहे हो जी, मतलब इसकी जो सैलरीज है यूई में पर मंथ 48,000 से 52,000 पाउंड्स पर दिरहम, दिरहम पर मंथ, ठीक है, तो यू कैन सी, और तुम रिमोटली भी काम कर सको, कि तुम्हारी ग्लोबल मोबिलिटी खुल जाएगी। अब ये जॉब कैसी है, ये ब्लॉकचेन डेवलपर मांग रहे हैं और उसमें जो है ना वो कर रहे हैं, लेकिन देखो बंदे नहीं है इनके पास, तो
अगर तुम्हारे पास वो वहाँ का एक्सपीरियंस तुम लेके जाते हो कि भाई मैंने ये सब किया है काम, तो तुम यहाँ गए नाफे के ऊपर कोर्सेज में गए, पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक में गए, है ना, तुमने यहाँ पर सारा ट्रैक देखा, तो ये जो चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जा रही हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी तुम्हारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो तुम कर रहे हो, बना रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद तुम्हारी जो ना ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के तो बंदे हैं ही नहीं, समझो है ही नहीं बंदे, देख कहाँ है, अगर है तो मुझे बताओ भाई। कंपनीज तो सर अगर यूके में आपके पास पढ़ने आना हो, जैसे फाउंडेशन अगर मैं कर सकता हूँ, तो उससे ऐसा अगर मैं यूके में आके पढ़ूंगा और फिर वापस अगर मैं यूई मांगू तो उससे मेरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि मैंने यूके से पढ़ा होगा, डिग्री वगैरह आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगी मुझे। जब तुम यूके चले जाते हो, जब तुम यूके में अपना फाउंडेशन करते हो, फॉर एग्जाम्पल देखो तुमने यहाँ पर अपना काम किया, पैसे जमा किए, तुमने कहा मैं फाउंडेशन में जाऊँ, ठीक है, तुम आ जाओ। जब तुम यहाँ इतने काम करोगे तो तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम हमारे से और महंगी यूनिवर्सिटी में अफोर्ड कर सकते हो, राइट, ठीक है ना, तो तुम वहां भी जा सकते हो, हमारी मर्जी है ना। तुम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हो, तुमने तीन साल का, चार साल का, तुमने एक साल फाउंडेशन किया, तीन साल की डिग्री की, चार साल लगाया, अगर तुमने डेवऑप्स ब्लॉकचेन और इस पे तुम्हें सब पे काम आता है, यूके में तुम दौरान स्टडी थी तुम जॉब पकड़ सकते हो, दिखाओ तो सही ना अपने आप। हाँ जी, अगर तुम्हारी दौरान स्टडीज है, तुम वहां जॉब हो जाएगी, जब तुम वहां जॉब करोगे तो तुम यूए नहीं आते भाई, तुम फिर भूल जाओगे जी, क्योंकि अब तो इधर मुसलमान कंट्री है ही नहीं, अब यूए जैसे जिस तरह से सब लोग आ रहे हैं। मेरा बच्चा छोटा सा था, तीन साल का, ठीक है, दो साल का था, मैं इसको ढाई साल हम पाकिस्तान गए और ना हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे, एमिरेट्स के एयरपोर्ट पे उतरे, तो ना जैसे उतरे तो सामने ना, अच्छा मैं उसको बचपन से पढ़ाता था, देखो ये शराब है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, उसको मैं छह महीने का था मेरी, मतलब कि महीने का था मेरी गोद में, मैं उसको गोद में लेकर जिस दिन से आया था उस दिन से मैं कुरान पढ़ता था, सब चीजें पढ़ता था, उसको स्टोरी सुनाता था मुजाहिदीन की, इसकी उसकी, सब चीजों की बात करता रहता, वो बोलता था, वो देख रहा होता था, हंसता था, दाढ़ी खींचता था, सब कुछ करता था, ठीक है ना, बड़ा हो गया इसी तरह सुनते सुनते सारी बातें बड़ा हो गया, सारी किताबें उसको मैंने अपने साथ पढ़ता था, उसको पढ़ा रहा था, बता रहा होता था, ठीक है ना, तो वो देख रहा होता था, पढ़ते कभी सुनते सुनते सो भी जाता था। मगर उसमें एक चीज आ गई, वो क्या चीज आई, मेरे साथ एयरपोर्ट पर उतरा, उसने कहा ये तो, मैंने कहा आपने देखो मुझे बताया, उसने कहा बाबा ये शराब है, मैंने कहा हाँ शराब है, उसने कहा ये तो मुस्लिम कंट्री है, आप तो कहते हैं मुस्लिम कंट्री में नहीं होना चाहिए, ढाई साल का बच्चा मुझसे कन्वर्स कर रहा है, ठीक है, वो अपनी माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपनी उम्र से दो साल आगे पढ़ाई, मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला उसको तीन साल चार साल आगे रखे ताकि जल्दी स्कूल खत्म करे, जल्दी यूनिवर्सिटी खत्म करे, जल्दी शादी कराऊ उसकी, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह मुझे पता नहीं है मैं कब तक जिंदा रहूंगा, मैंने कहा भाई उसके बच्चे अच्छे देखे हैं, ठीक है, तो जो ना उसने मुझे कहा कि ये तो गलत है, मैंने कहा हाँ बेटा ये गलत है, उसने कहा ये तो सबने आपकी तरह ड्रेस पहना हुआ और ना यहाँ पर सबने शराब रखी हुई। सर यहाँ इमामों की भी धाड़ी रखने नहीं देते हैं लोग, इधर के जो मस्जिद के इमाम होते हैं वो क्लीन शेव होते हैं, अगर कोई धाड़ी रखेगा बोलते हैं कि मना करते हैं ऐसे, तो यानी कि इधर तो बहुत बुरा हाल है। देखो भाई ये जो है ना तबाही की तरफ जा रहे हैं वापस, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना यहाँ बहुत खून रेजी और कत्ल गारत होगी, तो वो होगी, और इनका जो ईमान है ना वो वहां से उड़ गया है, उनके हुक्मरानों का, लोग अभी भी अच्छे हैं लेकिन तो हुक्मरानों का लोग बड़े, लेकिन हुक्मरान बड़े जालिम हैं, इसलिए वह सारे काम कर रहे हैं, वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुश्किल पैदा की जाएं, सब कुछ की जाएं, ये समझ के कि हम कामयाबी की तरफ, कामयाबी है ही नहीं। अगर आज मुझे ये लोग बोलें कि भाई हम जो है ना, देखो ये जो पूरा मिडल ईस्ट है, जजीरतुल अरब है, और ये जो OIC की जो कंट्रीज है, OIC, लेट्स से इट OIC, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक काउंसिल, ये है ना, तो दिस इज उम्मतुल वाहिदा, राइट, अगर ये सब बोले यार कि हम लोग सब जो है ना अपनी लोगों को ट्रेन करेंगे, अपने लोगों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में लगाएंगे, इन उलूम से उनकी एग्रीकल्चर, उनकी तमाम इंडस्ट्रीज यहाँ से यहाँ चली जाएंगी, they already know, बट वो करेंगे नहीं, ठीक है ना, वो करेंगे नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि कभी भी जो हुक्मरान हैं वो अल्लाह का निज़ाम नफाज नहीं करने देंगे, क्यों, बिकॉज उनकी अपनी बादशाहत, उनकी अपनी जो चौधराहट है ना वो इम्पैक्ट हो जाती है, वो करने नहीं देंगे, मतलब करने नहीं देंगे ना, कैसे करेंगे वो, आप तुम देखो ना, तुम दुनिया में कहीं पर भी देख लो, एक आदमी सच बोल रहा है वो पागलों की तरह चीखे मार रहा है, बोल रहा है यार ये चोर है, ये चोर है, चोर है, लोग भी आके ढाई ढाई तीन तीन लाख उसका जलसा अटेंड करते हैं, ठीक है, इमरान खान जो है सारे उल्टे सीधे काम करता है, शिरक भी करता है, उल्टे पुल्टे काम करता है, लेकिन उसमें एक काम है वो सच बोलता है,
ठीक है, दूसरा काम उसमें ये कि यार वो और भी खराबियां हो सकती हैं उसमें, ठीक है ना, लेकिन एक दूसरा काम उसमें ये है कि भाई वो चोरी तो नहीं करता ना यार, जिस जगह वो बैठा है वहां बहुत सारे लोग चोरी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस्लाम जो है ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हक तुकात ही वला तमूतुन इल्ला वंतुम मुस्लिम, ठीक है भाई, मरना तो मुसलमान हक तुकात ही, भाई तुम सुनो तो सही अल्लाह की बात, वो कोई नहीं सुन रहा। अब वो सारे चोर एक साथ जमा हो गए, देखो मैंने इनको कहा कि भाई ये है ना, ये बेचारा ऐसे ही लगा रहेगा। वहां पर यही काम डॉक्टर इशार अहमद रहमतुल्लाह कर रहे होते, डॉक्टर इशार अहमद ने लेकिन अपनी पूरी जिंदगी लगा, जब इंतकाल हुआ ना तो वो ये हम पढ़ाने ना ये सब, ये खास कपड़ा होता है, तुम कोटा के पशीन होटल पे जाओगे ना, पेशावर में जाओगे, सब इस तरह का ही कलर पहनते, ये हमारा फेवरेट कलर है, ठीक है सही है। तो ये जो है ना ये कलर, इसमें मेरे पास ना ये दो जोड़े हैं लंबे लंबे ना, ये मैं पहनता हूँ घर पे, ठीक है, बाहर भी आता हूँ इधर भी आता हूँ, मेरे घर वाले जो है ना बहुत परेशान होते हैं, तो कल परसों मेरी शॉपिंग कर रहे थे, उन्होंने मैंने 5 टी शर्टें ले ली, वो उन्होंने इतने खुश हुए, उन्होंने कहा यार ये तो जबरदस्त काम हो गया, वो 6-7 साल से जो शर्टें पहनते आ रहे हैं वो जो है ना उतर जाएंगी या आ जाएंगी। तो मेरे बेटे ने कहा नहीं नहीं वो मेरे बाबा पहनेंगे, क्योंकि मैं उसको देख के बड़ा हूँ, ठीक है, वो मेरे बाबा पहनेंगे, मैंने कहा हाँ यार वो तो जरूरी है यार, ठीक है। तो तुम उनको देखो ना, वो लोगों को खरीद रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ हो रहा है, और वो बेचारा अकेला शोर कर रहा है, क्योंकि वो सारे खंजीर और ना हराम खाने वाले लोग, सुम बुकमम उम युनफहुम ला यरजू, अल्लाह ताला उनके दिलों पे, कानों पे, आंखों पे मोहर लगा दी, वो इवन जो उसके साथ जो खड़ा हुआ है वहां पर, ठीक है ना, फजल रहमान, वो भी कोई रहमान नहीं लगा उसके आगे, ठीक है ना, बाप भी उसका बदमाश था, वो भी बदमाश, ठीक है ना, दोनों बदमाश, वो उससे भी बड़ा बदमाश निकला, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गलत आदमी के साथ बैठ के खाना खाया, किसी गलत आदमी के साथ बैठ के शेक हैंड किया, नहीं किया, नहीं। तुम जाके हराम खोरों के साथ बैठ के जाके वो करते हो, वो कहते हैं, हम कहते हैं अलराशी उलमरतशी कलाम फिनार, वो कहते हैं अलराशी उलमरतशी कलाम फिल जन्न, वो ही कहते हैं, वो तो यही कहते हैं, साफ साफ बोलते हैं वो लोग, और तुम उनके साथ जाके बैठते हो, एक भी अहकाम तुमने सारे अहकाम तोड़ दिए, और तुम इतना बड़ा पगड़ अपने सर पे बांधते हो, उसको कोई पहनने की जरूरत नहीं, कोई सुनता नहीं है ना। तो भाई ये सारे जो है ना, ये सबका OIC का यही हाल है, OIC में अगर ये लोग ये काम करें तो पूरा OIC तब्दील हो जाएगा, तब्दील कौन करेंगे, लोग करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। लीडरों का काम ये है कि वो सच बोले और सच्चाई के साथ लोगों को बोले कि भाई ये सब चीजें हैं तुम्हारे पास एक्सेसिबल है, जाओ उसको पढ़ो, काम करो, आगे बढ़ो। बड़ी अच्छी मिसाल तारिक महमूद साहब ने मुझे दी, हदीस बताई कि भाई साहबी यार ने फरमाया कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप ना लखमी विषय में फरमाया मुझे ना कुछ काम वाम करके दें, मुझे क्या करूँ। तारिक भाई बताइएगा, आप तारिक भाई बैठे हुए ना इधर, बताइए जरा। तारिक भाई हैं इधर? जी जी, वो लेकर आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है खाने पीने वगैरह वगैरह के लिए, घर का वगैरह, तो उन्होंने कहा वहां पर दो चादरें हैं, मुख्तसर बता रहा हूँ, तो ऊपर वाली जो चादर थी, दो चादरें, एक नीचे बांधी और एक ऊपर, उन्होंने ऊपर वाली चादर ली, उसको बेचा, 2 दिनार उसको पकड़ा, उसको बोला जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ, कुल्हाड़ी लेकर आए, साहबी उनसे कहा कि चलो जाओ जाके लकड़ियां काट के लाओ और उन लकड़ियों को बेचो और उससे तुम खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ और उसको दीन पर खर्च करो। तो ये नहीं कहा उन्होंने कि आप दीन बेचकर और दुनिया पर खर्च करो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप दुनिया के ऊपर मेहनत करो, कोई मुलाजमत करो, कोई तिजारत करो, कोई मेहनत करो, कोशिश करो और जाके तुम जो है ना माल कमाओ और उससे तुम अपना दीन पर भी उसको खर्च करो। तो ये यानी मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ अगली बात कि भाई देखो वो इमाम अल-अंबिया हैं और रहमतुल आलमीन है, वो उन सहाबी एक यूं आता है एक जगह पर कि जो आदमी सवाल का दरवाजा खोलता है अल्लाह सुब्हान व तआला, यानी कि जरूरत के बगैर सवाल का दरवाजा खोलता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके ऊपर 1 साल के फकर का दरवाजा खोल देते, और जो आदमी 3 दिन तक भूखा रहता है और लोगों से सवाल नहीं करता लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला से करता रहता है, जब वो लोगों से सवाल नहीं करता तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके लिए 1 साल की हलाल रोजी का उसके लिए बंदोबस्त फरमा देते हैं। तो ये हमारे जो यानी हमारा जो दीन है वो जो ये कह रहे हैं कि यार सवाल मत करो,
और जो है ना लोगों के सामने मत हाथ फैलाओ, अल्लाह सुब्हान तआला के सामने हाथ फैलाओ और उनसे मांगो, रोजाना मांगो। लेकिन हम लोग जो है ना हमसे तुमसे कहते हैं कि यार जाके तुम जरा यूनिवर्सिटी के चक्कर तो लगाओ, किसी कॉलेज का चक्कर लगाओ, वहां जाके तुम ये लोगों को बताओ कि भाई देखो ये एक हीरा है, इस हीरे को पढ़ो और इससे जो है ना क्या कहते हैं दुनिया बनाओ अपनी, हलाल कमाओ और उसको दीन पर खर्च करो, अपने ऊपर भी खर्च करो। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं हमें जो है ना घर पे बैठे बैठे आप बगैर मेहनत के ही ना दें। सारे ये जितने भी है ना वो कह रहा है, अभी एक लड़का वो कितने दिनों से 500 ml से आप 500 रुपये ले ले और आप जो है ना 2000 का कह रहा है मैं इंटरनेट पे करूंगा और पता नहीं कितने का लैपटॉप लूंगा और क्या क्या करूंगा, आप मुझसे 500 ले लें भाई, फ्री का थोड़ी। देखो पाकिस्तान में अभी जो ना हम लोगों ने ये जो कंटेनर्स लेकर आए ना कंटेनर्स, ये पाकिस्तान के अंदर उम्मत मुस्लिमा के अंदर पूरे OIC के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इवन इंडिया पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश का भी लेकर, ठीक है ना, यहाँ बहुत गुर्बत है, इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है, ठीक है ना। एक खास तबका है जो ऊपर जा रहा है, बाकी सारा तबका नीचे है, उसमें भी खास तबके में जो चार सेग्रीगेशन है, जो ब्राह्मण है वो बहुत ऊपर जाते हैं, बाकी सबको नीचे उन्होंने कर दिए। तो अगर तुम देखो तो इस्लाम के अंदर तो कोई वो नहीं है ना, हम लोग कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, ये कास्ट सिस्टम नहीं है, ब्राह्मण ये हमारे पास है, ब्राह्मण सारे पॉलिटिशियंस, सारे पॉलिटिशियन अनटचेबल, यू कांट इवन टच देम। वो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसामा बिन ज़ैद आए, उनकी ना खालिद बिन वलीद की कबीले की औरत ने एक ना गलत काम चोरी की, पकड़ी गई, और वो जो है ना उसने कहा कि यार आप जरा उसामा बिन ज़ैद को, उसामा बिन ज़ैद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, और उनके वालिद ज़ैद इब्न हारिसा से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, राइट। तो उनको भेजा कि भाई आप, उन्होंने ना मुझे कहा है कि ये खातून है आप थोड़ी सी रियायत कीजिए, क्योंकि उनको पता था कि इसके हाथ कटेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गुस्से में आ गए, फरमाए कि ना तुमसे पहले जो उम्मत तबाह बर्बाद हुई है ना, वो इसलिए कि अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून। फरमाया कि अगर मेरी बेटी, ठीक है ना, फातिमा बिनते मोहम्मद, अगर वो भी काम करेगी उसके हाथ कटेंगे। तो यहाँ पर तो वो खुलेआम लोग बोलते हैं भाई मेरा बाप खाता है तो खिलाता भी है, पकड़ो उसके हाथ, सबके हाथ काटो, हाथ कटेगा नहीं करके, ठीक है, जब कुछ भी नहीं कर सकेंगे, खा भी नहीं सकेंगे, उनको पता चल जाएगा। भाई ये सब जो है जितने भी हुक्मरान है, हम लोग ना अल्लाह ताला सूरह उसमें मुनाफिकों ने फरमाते हैं, हम लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ताला की आयतों का। हम अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि भाई तुम ईमान लाए और तुम्हारा ईमान चला गया, आई मीन यू हैव लॉस्ट इट, तैयार हो जाओ अजाब के लिए, तुम में से कुछ को माफ करूंगा जो तौबा करेंगे, बाकियों को जबरदस्त सजा है। हम लोग कुरान को यार पढ़ते नहीं है, वो सारे चोर चोर के बच्चे बैठे हैं वहां पर, सब चोर हैं यार, ठीक है ना, गलीज मुर्दार खाने वाले, खुलेआम एतराफ भी करते हैं, कोई नहीं बोलता कुछ भी, कोई बोलता है, तुम लोग बोलो ना, ठीक है, कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। भाई सच बोलना जिसने सीख लिया ना, तुम बाहर जाओगे ना, तुम बोलोगे यार कोई, मैं एक ना मेरे साथ ना जब मेरा बच्चा छोटा था तो वो पुलिस वालों को देख के बड़ा खुश होता, ठीक है, यहाँ पुलिस वाले बड़े फिट जानदार जानवान बनी हुई है, एक्सरसाइज भी करते हैं, पेट वेट भी अंदर, मतलब कि सबके अच्छे मसल्स बने हुए हैं। तो मेरा बच्चा ना जाना उसको, तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार कि यार ये मेरे बच्चे को ना पुलिस की गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा खुश होता है, ये छोटा था 2.5-3 साल का था, मैंने कहा यार अपने किसी बंदे को भेजो ना यार, क्योंकि उसका दोस्त जो था ना, उसका मैं एक जगह दावत मिला था, उसका पाकिस्तानी दोस्त था, वो यहाँ का बड़ी पोजिशन पे पुलिस में, RCMP में, रॉयल कैनेडियन माउंटी पुलिस जो है उसके अंदर ना, तो उसने गाड़ी भेजी। इत्तेफाक से करना ऐसा हुआ कि एक बच्ची हमारे मोहल्ले में खो गई, अब उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, घर वाले ढूंढ रहे, अच्छा मेरा बच्चा मेरे साथ वॉक कर रहा था, ठीक है, उसने कहा वो बच्ची अकेली जा रही है, अकेला तो नहीं घूमना चाहिए, मैंने कहा हाँ, कह रही वो अकेली है, उसको हम लोग पकड़ा, हमने कहा कहाँ से, पता चला वो भाई 1 किलोमीटर दूर उसका घर है, वो पता नहीं कहाँ, पुलिस को हमने कॉल किया, पुलिस आ गई, पुलिस ने शाबाशी दी, सब कुछ हुआ, बच्चा मिल गया, चलो उसके माँ बाप मिल गए, चाइनीज का एक बच्ची फैमिली का बच्चा था, खुश हो गए सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। उसके चक्कर में असली में पुलिस आ गई हमारे घर पे मुबारकबाद देने के लिए कि आपके बच्चे ने बड़ा जबरदस्त काम किया, ये किया वो किया, अब वो बेचारा बड़ा खुश हो रहा है, देख रहा है, और वो ना उसको गाड़ी में दिखा रहे हैं कि देखो ये गाड़ी हमारी अंदर से ऐसी, कह रहा है जबरदस्त गाड़ी है, ये है वो है, देखो यहाँ पर पुलिस वाले ईमानदार है। तो मैंने पुलिस वाले मुझसे पूछा तुम क्या करते हो, मैंने कहा यार मैं जो ना उस जमाने में मैं CISO था, मैंने कहा मैं CISO हूँ, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, उसने कहा कहाँ पर, मैंने कहा ये कंपनी है US में,
और क्या है उसमें मतलब क्या ना, अच्छा उनको पता था सीसो क्या होता है, जिसने कहा तुम साइबर सिक्योरिटी सब चीज़, मैंने कहा हाँ साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फोरेंसिक्स, मैंने कहा सारा काम ये सब काम होता है, मैंने कहा तुम लोगों के साथ वास्ता पड़ता रहता है यूएसए के अंदर, तो ये वो सब कुछ ना, तो तीन चार लोगों के नाम बताए मैंने, वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा यार जबरदस्त मुझे बताओ यार मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या करना चाहिए, मैंने कहा ये पढ़ो ये पढ़ो और तुम ना इससे और आगे भी निकल जाओ, उसने कहा यार मैं हमेशा पढ़ना चाहता था यहाँ, तो मैंने बैचलर्स करके पुलिस में लग गया बैचलर्स करके, ठीक है, और फिजिक्स में पता नहीं किसमें किया था उसने, और कह रहा है कि अब मैं जो है ना थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ बिकॉज मेरा बड़ा डीप इंटरेस्ट है डिजिटल फोरेंसिक्स में, इसमें इसमें और इसमें पैसे तनख्वाही भी बड़ी अच्छी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत आसान रास्ता है तुम करो, तो मैंने पुलिस वाले से गपशप लगाने शुरू करी, मैंने कहा यार तुम लोग रिश्वत रिश्वत की यहाँ पर रिश्वत रिश्वत होता है, उसने मुझे आंखें दिखाई, उसने कहा क्या बात कर रहे हो यार तुम, उसने इस तरह बोला पाकिस्तान में जो है ना, फिर मुझे कह रहा है नहीं यार ये दिस इज ट्रीजन, ये तो बड़ा मसला हो जाता है, ये तो बहुत मुसीबत हो जाती है, दिस ये हम नहीं कर सकते, देखो यार पाकिस्तान में क्या लिखा होता है, थाने में जाओगे ना रिश्वत लेना हराम है, लिखा होता है कि ऊपर मत देखिए इधर से आगे आ जाइए, किसी ने मुझे बताया, यहाँ दिशांत साहब ने बताया, दिशांत साहब बैठे हुए जिसका कुछ, दिशांत साहब ने कहा कि थानों में ये लिखा होता है, जब हम अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाते रहेंगे तो हम मुनाफिक हैं, सैयद कुतुब रहमतुल्लाह के डेफिनेशन के मुताबिक हम मुनाफिक, क्योंकि हम अल्लाह की बात ही नहीं सुन रहे, हम फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे फेंक रहे हैं, स्कॉलर्स कुछ और बात कर रहे हैं मसाजिद में, स्कॉलर्स सुबह शाम दिन रात ना सच्चाई और ना सच बोलने के ऊपर, इसके ऊपर बयान करें, पूरा माशरा तब्दील हो जाएगा, हम लोग दुकान खोलते हैं सुबह तिलावत लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम नाप तोल में कमी करते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं नाप तोल में कमी नहीं करो यार बहुत सख्त अजाब है, हम नाप तोल में कहते हैं नहीं नहीं खैर चलो, थैलियां घुमा के आगे पीछे कर देते हैं, माल कुछ और लिया जाता है कुछ और पकड़ा दिया जाता है, अजीब हम लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक क्यों है, क्योंकि हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर सारे अहकाम फेंक देते हैं, दिस इज व्हाट मुनाफिक्स डिड, मुनाफिकिन की तो आप नमाज भी नहीं पढ़ा सकते, ये भी हुक्म है, क्लियर हुक्म है, मुझे बताओ यहाँ पर कोई आलिम बैठा है भाई बताओ मुझे, हाँ तो ये इतना इतना बड़ा मामला है, इसमें तो फिर बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे भाई, ये सारी जो है ना, तुम जब बाहर जाओगे ना तुम बोलोगे यार यहाँ तो कोई रिश्वत नहीं लेता, यहाँ तो अगर कोई रिश्वत पकड़ा जाए वो इतनी बेइज्जती होती है उसकी, वो जेल चला जाता है और वो बेचारा जिंदगी कहता है मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में तो हर जगह पत्थर उठाओगे नीचे लिखा होगा कि आगे मत देखिए, पत्थर को मत देखिए आगे आ जाइए और ना रिश्वत दे दीजिए, दिस इज आई मीन दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो जब तुम बाहर जाओगे तुम काम करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम जितना अच्छा काम करोगे तुम्हें तरक्की देंगे, सारे इंडियंस हिंदू टीका लगा के यहाँ आते हैं, ऑफिस में कोई इनको कुछ नहीं कहता, ठीक है, और सुबह सुबह अपनी मन्नत उज्जत जो भी करके आते हैं, टीका इतना बड़ा टीका लगा होता है ऑफिस में आते हैं, ठीक है, और वो जो है ना काम करते हैं और उनको तरक्की 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 मिलती है, क्योंकि उनकी उनकी मेहनत पर तरक्की मिलती है, उनकी उनकी मेहनत पर तरक्की मिलती है, ठीक है ना, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं भाई मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, ठीक है ना, हम कह रहे नहीं हम मेहनत नहीं करेंगे, हम डंडी मारेंगे, हम रिश्वत खाएंगे, हमें शॉर्टकट चाहिए, बच्चे आते हैं मेरे पास वो ना लोग आते हैं और जी शॉर्टकट बताएं तीन महीने में करोड़पति बनना, अभी कैसी बात कर रहे हो यार कैसे बनोगे तुम भाई, यू हैव टू वर्क हार्ड, वो बच्चा है यहाँ पर लड़का है जिसकी 15 साल के बाद जॉब हुई है, तुम उसको देखो, मैं तुम्हें एक एक चीज दिखाता हूँ, मतलब क्या ना ये हमारा लड़का है जो BMW में काम करता है, ठीक है, ये पाकिस्तान से मोहम्मद इकराम, इसने मुझे अपना ना वो भेजा है इंटरव्यू भेजा है, तो इसकी तनख्वाह, इसने कहा फैसल भाई मेरी तनख्वाह मत बताइएगा, ठीक है प्लीज, क्योंकि ना मेरी शादी होने वाली है और ना तनख्वाह बहुत ज्यादा है इसकी, इतनी ज्यादा है मैं तुमको बताता हूँ टेस्ला अफोर्ड कर सकते हैं, टेस्ला गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी, ठीक है ना, ठीक है, इतनी ज्यादा तनख्वाह इसकी, सही है, अब मैं तुम्हें इसका वो दिखाता हूँ जिसने मुझे वो भेजा, ठीक है ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार जबरदस्त क्या बात है यार, ठीक है, और इसका इंटरव्यू आया है तो दूसरे का भी इंटरव्यू आया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो जरा, मैं एक मिनट सब्र करो, ये देख के फिर हम निकलते हैं इंशाल्लाह, ये भी हमने वेबसाइट पे डाले नहीं है, ये पंजाब से इसका ताल्लुक, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और मैं अल्नाफे के स्टार्टिंग बैच का एक स्टूडेंट हूँ,
मैंने अल्लाफे जो है वो 2019 के स्टार्ट में ज्वाइन की थी. उसके बाद मैंने CSSP की प्रिपरेशन अल्लाफे से की. मेरा साइबर सिक्योरिटी में और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और सर फैसल की सजेशन पे मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया फ्रांस में. लकली मैंने एक ही ये जब अप्लाई कर रहा था ना तो इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी थी, इसकी स्टेटमेंट मैंने खुद लिखी. अब जो हम लोग बच्चे आ रहे हैं ना हमारे, हम सब की स्टेटमेंट मैंने तारिक भाई से कहा. तारिक भाई ने मुझसे कहा कितनी स्टेटमेंट तुम लिखोगे. मैंने कहा मुझे अगर 10,000 स्टेटमेंट लिखनी पड़े ना, मैं अल्लाह ताला 10,000 की 10,000 अलग अलग स्टेटमेंट अल्लाह मुझसे लिखवाए. मैंने कहा मैं लिखूंगा. मैंने कहा मुझे जो है ना बच्चे चाहिए जो फैल जाए पूरे. देखो इसकी जरा सुनो, जरा इसको सुनो जरा. इनवेस्ट में अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन हो गया साइबर सिक्योरिटी में, जो कि 1 ईयर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम था. अगर आपका पाकिस्तान से 4 साल का बैचलर्स है, आप फ्रांस से 1 साल में मास्टर्स की डिग्री कर सकते हैं. थ्रूआउट वीज़ा प्रोसेस मोटिवेशन लेटर मैं सर फसल के साथ कॉन्टेक्ट में था, तो इन्होंने मेरी हेल्प की. सितंबर 2019 में मैं फ्रांस आ गया था. मैंने मास्टर्स का जर्नी स्टार्ट किया. बहुत अच्छा जर्नी रहा क्योंकि मेरे जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो CSSP में क्लियर हो गए थे. लेटर ऑन मैंने फिर 6 महीने उसमें जो थे वो कोर्स वर्क था और 6 महीने की इंटर्नशिप थी. मैंने जो है अगस्त 2020 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था एक अल्टन कंपनी है उसके साथ. और सितंबर के स्टार्ट में मेरा डिफेंस था, 1 महीना पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था. अल्टन बेसिकली एक फ्रेंच कंपनी है, मतलब पूरी दुनिया में इनके ऑफिस हैं. बेसिकली एक फ्रेंच कंपनी है जो इंजीनियर्स प्रोवाइड करती है बड़ी कंपनीज को. तो अल्टन के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. उसके बाद अल्टन ने मुझे आगे प्रोवाइड किया ZF में, जर्मनी में. अक्टूबर 2020 में जर्मनी आ गया. ZF में अपना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया. इससे पहले मेरे पास ऑटोमोटिव का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था. मेरे पास 2 साल का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस था. जस्ट मास्टर्स के थीसिस की बेस पे मेरी जॉब हो गई थी. मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 साल काम किया ZF में. उन्हें काम अच्छा लगा और लास्ट मंथ जो है मैंने ZF के साथ इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया डायरेक्टली, जो कि परमानेंट है. सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने जितने भी कोर्सेज किए अल्लाफे से, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थ्रू मास्टर्स इवन जॉब में. इट मीन्स के अल्लाफे जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, अगर आप अपना जो कैरियर है वो साइबर सिक्योरिटी में परसू करना चाह रहे हैं, तो मेरी सजेशन है कि आप अल्लाफे ज्वाइन करें. और अल्लाफे जितने भी कोर्सेज करा रहा है, जिस तरह गाइडलाइन दे रहा है, आप उन कोर्सेज को लें, आप गाइडलाइंस को साथ लेके चलें और कंसिस्टेंट रहें लर्निंग में, तो इंशाल्लाह मेरी तरह आप भी कामयाब होंगे, आप भी अपने गोल्स अचीव करेंगे. तो एनीवे ये आप लोगों को बताना था कि किस तरीके से बच्चे कामयाब होते हैं, किस तरह से आगे निकलते हैं. इसका तो अभी और भी लोगों के काफ़ी सारे आए. एक GIK का भी एक आया है, अहमद अली खान का. GIK जो यूसुफ रियाज यहाँ बैठे हैं, इन्हीं का क्लास फेलो है. तुम दोनों क्लास फेलो थे ना भाई, यूसुफ रियाज तुम और वो दोनों क्लास फेलो थे ना वहाँ पर GIK में, उसमें राइट यहाँ पर हो तुम यूसुफ रियाज. जी फैसल भाई, ये मेरा बैचमेट था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ना. तो अब हम लोग हैं बेसिकली जो अब हमारे जो ट्रैक्स हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, डेवऑप्स, सेकऑप्स, ये वो चीजें हैं कि
जो है ना बच्चे बड़े आराम से पढ़कर निकल कर आगे बढ़ सकते हैं, आगे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉलो है और कोई ऐसी चीज नहीं है। देखो तुम लोगों को एक पूरा सिस्टम बना के दिया जा रहा है, और अगर तुम लोग ये जो बच्चे हैं, बच्चे जो वालदैन के साथ बैठे हुए, ये स्कूलिंग भी यहाँ करें, और देखो स्कूल का काम होता है, स्कूल का काम होता है, स्कूल को काम होता है कि वो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ और कॉलेज लाइफ के लिए तैयार करें, फेल हो जाते हैं ना वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए होते हैं ना कॉलेज के लिए होते हैं। कॉलेज का काम होता है कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ और स्कूल के लिए मजीद तैयार करें, वो भी फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। जब बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करें कि वो जाके काम कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ कर सके, कुछ भी नहीं। तो ये एक मास लेवल के ऊपर हम ग्रेजुएट्स क्रिएट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और वो ऐसे ही निकल रहे हैं, ठीक है, और कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। अगर मुझे आज ये लोग पाकिस्तान बनाए, ठीक है, एक तो इसको ये जाना बड़ा मसला है इसके साथ, ये इसकी बहन ने भी बड़ी कोशिश की, इसके आसपास ऐसे लोग बैठे हुए, अलीमा खान ने भी बड़ी कोशिश, इसके आसपास ऐसे लोग हैं, वो आगे जाने नहीं देता, कोई करने नहीं देता, बात ही नहीं करने देता, ठीक है, क्योंकि सारे वही करप्ट लोग बैठे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, कोई भी ऐसा आदमी, ठीक है ना, कि अगर ये खड़ा करे ना, मुझे देखो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दुनिया की टेक्निकल एक होता है ना ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट कहते हैं, रूस, रूस के साथ लोग फंडा कर रहे हैं, यूक्रेन, यूक्रेन से और रूस से दुनिया की 30% गंदम आती है, यानी कि उनकी ब्रेड बास्केट है। तो दुनिया की जो टेक्निकल बास्केट है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आती है, लेबर बास्केट भी वहीं से आती है, यानी दुनिया में कहीं लेबर चाहिए सब वहां मिलेंगे, ठीक है। वो जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसने, उसको मैं लेके गया बाहर खिलौनों के लिए, उसने सबसे पहले बेलचेक बाहर उठाया, तो मेरी माँ ने बोला कि यार देखो ये वही है ना, पठान जीन्स एक्टिवेट हो गई इसके अंदर, ठीक है ना, ये मेरी माँ ने कहा देखो पठान है ना, उसने बेलचा उठाया। मैंने कहा इसमें जीन्स एक्टिवेट हो गई, तो मेरी माँ ने कहा ये जीन्स क्या होती है। मैंने समझाया माँ की ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, तो हंस रही थी कितनी अच्छा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा है ना, ठीक है ना, तो मैंने कहा ये सब खंदक खोदने वाले हम, ठीक है ना, ठीक है, तो ये हमारा काम है, ठीक है। तो वो उसने फॉरन से उसने उठाया, और अभी भी वो सारे टूल्स उसने रखे हुए हैं, वो सारी जगह बनाता रहता है, गार्डनिंग के लिए इतने सारे उसने वो की जगह तैयार करता है, सॉइल तैयार करता है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तकरीबन 50-60 किलो तो टमाटर हमारे हर साल उगते हैं, मिर्चें उगती हैं, टमाटर के साग सब चीज़ें हम लोग अपने घर में लगाते हैं, और बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से होता है। और द पॉइंट आई एम स्टेटिंग इज के यहाँ पर ये इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि यहाँ पर के जो लोग हैं वो इतने आगे कामयाब हो सकते हैं अगर आप उनको डायरेक्शन सही, डायरेक्शन नहीं है ना, कि अगर मुझे आज खड़ा करे ना तो पूरा का पूरा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पढ़ सकता है पढ़ाई करके। ये जो यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स हैं, यही सारी चीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाई, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं ना, जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ किताबें पढ़ना उनको आती है, उनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दुनिया में। तो यही इसलिए यूनिवर्सिटी फेल करती है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी फेलियर क्यों पैदा कर रही है, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वो डिग्री की इंपॉर्टेंस, वो सिर्फ एक कागज की अब इंपॉर्टेंस रह गई है, डिग्री की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, इसकी लर्निंग, देयर इज नो लर्निंग, बिकॉज वहां पर आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही कि जिससे आप जाके काम पे बैठ सको। अगर 1000 ग्रेजुएट्स निकाले कि 10 जो है ना तेज होंगे, वो इतना समझदार होंगे, उनको इधर उधर पढ़ा होगा, मशवरा लिया होगा, वो निकल जाएंगे, बाकी 990 जो बेचारे से घूम लोंगे, क्या करें, क्या करें, क्या, ये सबसे बड़ा मसला है। यही मसले को खत्म करने के लिए ना मैंने ये काम शुरू किया था, ठीक है। ब्लॉकचेन में जाना है, डेवऑप्स में जाना है, सेकऑप्स में जाना है, साइबर डिफेंस में जाना है। दुनिया में जो 500 मिलियन जॉब्स जो मौजूद हैं, जो नई नई जॉब्स को रिप्लेस करें, 500 to 600 मिलियन, वो यही जॉब्स, यही एरियाज, बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन वो ना क्या होगा, पाकिस्तान में, इंडिया में सब जगह प्रोग्राम्स आ जाएंगे, इंडिया में तो खैर नहीं करते, कामयाब नौजवान, खूबसूरत नौजवान, टेढ़ा नौजवान, सीधे इस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे सारे, उसमें कुछ नहीं पढ़ाएंगे भाई, दे डोंट नो, दे डोंट नीड दिस, बिकॉज द प्रॉब्लम इज प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं, उनको खुद नहीं पता क्या है, बट दे आर जस्ट रोलिंग इट आउट, वो रोल कर रहे हैं, रोल 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 कर, ठीक है ना, बस यार निकालो निकालो, बस निकालो, बस कुछ पकड़ा दो लोगों को। इतना माँ बाप जो है ना, माँ बाप, वो मैंने अपने माँ बाप को देखा यार, बड़ी मेहनत की मेरे माँ बाप ने, बहुत, मैं देख रहा था कि किस तरह मुश्किल हाथ से गुजरे, फिर अल्लाह ताला ने हमारा माल भी साफ किया, ठीक है, क्योंकि मेरे वाले से गलती हुई, वो एक जमाने में पाकिस्तान में ताज कंपनी आई थी, किसी ने कहा कि पैसे रखो, रख दी पैसे, वो सब पैसे रखे,
वो ताज कंपनी जो थी ना वो गलत थी क्योंकि सूद था, ये इनको इतनी समझदारी नहीं थी। अल्लाह ताला ने सब निकाल लिए, फिर अल्लाह ताला ने वापस से खड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर ले गया अल्लाह ताला। लेकिन फिर हलाल अल्लाह ताला सफाई करते हैं, तो हमें इन ममालिक के अंदर सफाई करनी पड़ेगी, जो ना जो सारा गंद है ना इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाकर जो है ना चीजें इम्प्रूव होंगी, तब जाके चीजें जो है ना वो ठीक होंगी। अदरवाइज आई मीन देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वट वी आर डूइंग इज हम लोग उसको कर नहीं रहे, राइट, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। बट एनीवे मैं इंशाल्लाह दो तीन सवाल लेता हूँ यहाँ पर। जी अब्दुल बासित आप बोलिए, कौन है हमारा अब्दुल बासित, कौन सा अब्दुल बासित है? जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे फैसल भाई? मैं कैट का स्टूडेंट हूँ, मैंने ना तकरीबन 4 months का जो कंटेंट है वो कर लिया अच्छे तरीके से ना, तो मैं चाह रहा था कि मैं साथ साथ ना ब्लॉकचेन वाला जो स्पेशलाइजेशन है वो भी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मेरा प्रीवियस कोई बैकग्राउंड नहीं है वेब डेवलपमेंट में या इस तरह, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए साथ साथ? वेब डेवलपमेंट सिखाई जा रही है लेकिन पाइथन के अंदर सिखाई जा रही है, ठीक है, पूरी एप्लीकेशन डेवलप करके वो करवा दी जाए। एक दफा जब तुम्हें वो वेब डेवलपमेंट आ जाती है पाइथन के ऊपर, उसके बाद तुम खुद ही काम कर सकते हो। जी जी, यानी मैं वो जो ब्लॉकचेन स्पेशलाइजेशन है उसको परसू कर लूं फिर अभी साथ साथ कैट के साथ साथ, क्योंकि मैं डेली 6 घंटे पढ़ाई को दे रहा हूं। बिल्कुल करो, तुम तो खामखा करो, तुम्हारे पास टाइम है, बिल्कुल करो, एब्सोल्युटली यस। जी हुसैन, आप सवाल कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडएक्सएल, कैम्ब्रिज, जीसीएसई, राइट? देखिए ये डिफरेंट बोर्ड्स हैं हुसैन साहब, ये डिफरेंट बोर्ड्स हैं जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे, लेकिन एसेंशियली सिलेबस सबका एक ही है, चीजें सबकी एक ही हैं, ठीक है। यूके ने 2020 में तमाम बोर्ड्स को यूनिफाई करके आईजीसीएसई करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक वो नहीं कर सके, उन्होंने ये डेट जाना और आगे कर, तो आगे जाकर ये सारी की सारी जो एडएक्सएल है ये सब चीजें हैं, ये दे विल डीकमीशन, क्योंकि वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर की ना एक वो भी आई थी, इसका एक मैसेज भी आया था, मैं देखता हूँ उसके बारे में नजर आ जाए। तो इसके ऊपर एक पूरा एक वो था रिफॉर्म्स ये लोग कर रहे हैं इसके ऊपर कि भाई ये जो इतनी कंफ्यूजन है ना कि सब खत्म हो जाए कि और आईजीएसई जो है ना स्टैंडर्ड हो जाए, तो जीसीएसई भी खत्म हो जाएगा वो भी आईजीएसई बन जाएगा, मतलब कि वो सब चीजें जो है ना वो अंदर मर्ज हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये इनको करना था लेकिन नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, तो अब जो है ना इसको आहिस्ता आहिस्ता लोग लेके चलेंगे डिपेंडिंग के क्या होता है क्या नहीं होता, बट दे विल डू इट एवेंचुअली, ठीक है ना। वो इसके ऊपर प्रोविजंस कर रहे हैं एंड एसेंशियली वन वे और द अदर, ठीक है ना, ये सब चीजें ना मर्ज हो जाएंगी, ठीक है मोहसिन साहब। तो आपका बच्चा अगर अभी कोई भी करता है इट डजंट मैटर, आई मीन इट डजंट मैटर कि क्या है उसका। शहजाद खान साहब आप बोलिए। शहजाद खान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बोलिए। अच्छा फैसल भाई, मेरा अभी बेटा है, मेरी आपसे पहले ही बात हो चुकी थी, ठीक है, उसका आगे इंशाल्लाह कल रिजल्ट आएगा 7th grade का ना, तो इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट मंथ से ना जो है वो इसको मैं इनरोल करवा दूंगा, साथ पैरेलल चलेगा, स्कूल भी जाएगा और जो है वो ओ लेवल में ना और आपके साथ पढ़ेगा, तो इंशाल्लाह जो है वो दोनों जो है वो यूज करेगा। अच्छा मेरा जो मसला है वो इन मेरे बच्चों ने कुरान का मेरा इशू चल रहा है, ठीक है। अब जो है आपके मैं वो जो शेख साहब हैं उनको मैं सुनता हूँ, ठीक है, तो उसकी उनकी फीस जो है वो $18 पर मंथ है, वो एक फी बचेगी, ऐसा ही है? नहीं नहीं, $10 पर आवर है। अच्छा पर आवर है। अब मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और इंक्लूडिंग मी हम 5 बन जाते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? हर इंडिविजुअल जो है वो देगा तो क्या है? लोग ये करते हैं कि ना लोग घंटे लेते हैं और हर बच्चे को आधा आधा घंटा दिया जाता है, राइट? तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं, एक फैमिली है, एक कुवैत से एक बंदा है जो कि मिलिट्री में वहाँ पर था
और उसका जो जो बड़ा भाई है वो लेफ्टिनेंट जनरल है सेंटकॉम के अंदर, ठीक है, और उसका जो छोटा भाई है वो भी आर्मी में बड़ी सीनियर पोजीशन पर है, आई थिंक ब्रिगेडियर है क्या है, वो मुसलमान हो गया कुवैत में, समथिंग लाइक दैट, राइट। वो मुसलमान जब हो गया तो उसने एक मुसलमान औरत से शादी की फिलिपीन से, और उसके जो है ना बच्चे हो गए तीन। तो वो इस दौरान पूरा वहाँ पर 10 साल पुराना मुसलमान है, उसके बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं उसके, वो तीनों बच्चे उसके हमारे पास पढ़ते हैं। तो वो मिलिट्री बेस में खुद काम करता है, और अब वो खुद भी इमामत भी कर रहा है, और वो खुद भी हाफिज बन रहा है माशाल्लाह। देखो अजीब, देखे ना अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ किसको उठाते हैं, माशाल्लाह। हाँ, और वो जो है बेसिकली अब जो है ना मिलिट्री छोड़ रहा है, और कह रहा है कि भाई मैं मतलब के ना सिविलियन लाइफ में जा रहा हूँ। उसको अंदाजा हो गया कि यार मैं मुसलमानों के इस तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब जो है ना वो छोड़ रहा है, उसको बाहर निकल रहा है उससे। लेकिन कहने का मकसद, मैं नाम नहीं ले सकता, मसला हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब वो आएगा किसी दिन, मैं उसको बुलाऊंगा, जब वो मिलिट्री छोड़ देगा फिर मैं तुम लोगों के सामने बैठा के बात करूंगा, ठीक है। मैंने उसको बोला था, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुम आओगे ना, बात करोगे, तुम अपनी स्टोरी सुनाओगे तो लोग बहुत ज्यादा मुतासर होंगे उससे, ठीक है। क्योंकि ये सहाबा की सुन्नत थी, उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह अन्हु सबको फजर में, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में बुलाते थे, उनसे सुनते थे कि तुमने क्या ड्रीम्स देखे, क्या दिखे, क्या किया मामला में, जैसे तबलीगी जमात में भी कि भाई कारगुजारी सुनाए, आप कारगुजारी क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ द सुन्नत, राइट। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आई मीन व्हाट यू वेंट थ्रू, तो वो बता रहे होते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द सुन्नत। ये मुझे बाद में पता चला कि दिस इज पार्ट ऑफ सुन्नत, आई एम नॉट इवन श्योर कि उनको पता है कि नहीं पता जो वो कर रहे होते हैं, बट मैंने पढ़ा, मैंने कहा तो कारगुजारी है ये, दिस इज व्हाट उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़्ड टू डू इट। मैंने कहा दिस इज पार्ट ऑफ द सुन्नत। आप मामला पूछे ना कि क्या हुआ, तुम कैसे गुजरे, क्या हुआ, तुम दीन के हिसाब से ना। तो मैंने कहा तुम सुनाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो उसके उसने उसके 3 बच्चे हैं, वो आवर्स ले लेता है, ठीक है ना, 8 घंटे ले लेता है वो। और वो क्या करता है कि भाई जो है ना आधा आधा घंटा हर बच्चा पढ़ता है, ठीक है ना। तो वो 1.5 घंटा एक बच्चे की क्लास 30 मिनट होती है, फिर दूसरे बच्चे की क्लास 30 मिनट होती है, तो उस तरह उसके $10 लग जाते हैं। फिर उसके बाद एक और बच्चे की क्लास होती है, तो सर उसके $15 लग जाते हैं। अगर आप बल्क में आवर्स लेते हैं तो उसके कोई डिस्काउंट भी वो देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बल्क में लेता है तो उसको डिस्काउंट भी थोड़ा सा मिलता है, राइट। बट द पॉइंट इज कि ये जो शयूख है, ये बहुत बड़े बड़े शयूख हैं। ये जो हमारा इस्लामिक एकेडमी का प्रोजेक्ट है ना, ये कोई रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट नहीं, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें हम लोग ना बड़े बड़े शयूख को लाएंगे, उनको कोई रोजगार का वो मिल जाए। ये जो शयूख है ना, ये सिर्फ वहां पर बैठ कर जो है ना असिस्ट करते हैं, और उनको एक रोजगार कमाने का एक जरिया मिल जाता है कि यार वो थोड़ी सी लिवेबल वेज, अच्छी वेज कमा सके, ठीक है ना। ये चीज आप अपने अपने हिसाब से आप देखें कि कितने घंटे में ले सकता हूँ, और आप वो करके कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहें कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप पाकिस्तान में आपको कुर्रा मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखिए बड़ा डिफरेंस है फैसल भाई, डिफरेंस नहीं, जमीन आसमान का डिफरेंस। हाँ जी, वो तो मस्ती जो है वो माशाल्लाह, उनको वो अलग ही उनका एक जो है वो भाई, अल्लाह ताला ने कुरान जो है मक्के और मदीने में उतारा, उसके बाद वहां पढ़ा जाता था। अब जो कुरान जो है ना, जो पढ़ा जाता है दुनिया में, सारे कुर्रा हज़रात उधर से हैं। आप मंशावी को देखो, हुसरी को देखो, अलबाना को देखो, ठीक है ना, शेख यासीन को देखो, ठीक है, शेख ममदूम, इतना बड़े बड़े शेख हैं। और वो ये सारे जो अरब जो हैं, ये सारे सऊदी और कुवैती और सब ये वहां जाके पढ़ते हैं। हाँ जी, वो तो, और 20 किरात के जो पूरी दुनिया में जो कारी हैं, सऊदी में नहीं मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ऐसा ही 20 उनको 20 रिवायात पता है। ओ यार क्या चीज, देखिए जबरदस्त। तो वो एक रिवायत है, उसमें पढ़ते हैं सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अलग। मैंने कहा यार क्या जबरदस्त, अब वो आपको तिलावत में मिलेगी नहीं, उनके मुसहफ भी डिफरेंट है। हाँ जी, ऐसे ही। तो वो अलग मतलब के ना रिवायात हैं, वो उसको सुनने का मजा आता है। और वहां से तो पहले जो है ना ये सेशंस होते थे जिसमें वो लोग अपना कुरान सुनते थे, अब तो वो बदमाश बैठा हुआ है फिरौन, बड़ा भाई ठीक है, बैठा हुआ है, वो तो नहीं अलाउ नहीं करता, ठीक है ना, उसने सब कुछ बंद कर दिया। उसने मस्जिद में सुन्नत भी नहीं पढ़ सकते, फर्ज नमाज पढ़ो, गेट खुलता है सिर्फ नमाज के लिए, और नमाज खत्म होती है। आप दुकान में कुरान पढ़े होंगे, लोगों को बोला है कि किसी को तुम दुकान में कुरान पढ़ते हुए देखो, शिकायत कर दो,
अभी बीच में हुआ था, फार्मेसिस्ट बंदा दवाई लेने गया, वो बैठ के कुरान पढ़ रहा था फार्मेसिस्ट, ठीक है, तो उसने शिकायत कर दी पुलिस को, पुलिस आके उठा उठा के ले गई। मतलब एक्सट्रीमिस्ट भाई कुरान पढ़ रहा है, उसने घर में कुरान पढ़ो, वो इतना बदमाश आदमी, फिरौन भाई, फिरौन क्या हो, फिरौन शरीफ आदमी यार उसके मुकाबले, हाँ हाँ फिरौन शरीफ आदमी भाई उसके मुकाबले में, आप देखना है ये जो है ना लोग, ये फिरौन से भी, क्योंकि ये देखो ये मुनाफिक, मुनाफिक का सबसे लोअर दर्जा है दोज़ख के, बिकॉज दे बिलीव इन अल्लाह बट दे स्टिल डिफाई हिज, दे बिलीव इन अल्लाह बट दे स्टिल हम नहीं मानते उसको, मतलब कि हम कह रहे हैं, कहते हैं हम मानते हैं वहां पर, क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है मुसलमान, ठीक है ना। हाँ जी सही, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह फिर जो है वो बल्क में आवर्स देख लेता हूँ, तो हर बच्चे को फिर उस हिसाब से जो है ना वो, मेरा उन्होंने कहा है 30 आवर्स का एक ये आपको जो है ना वो होता है, यानी कि उनका जो एक वो जो क्या कहेंगे जो उन्होंने टाइमलाइन दी हुई है ना कि इस टाइम तक जो है आपको अच्छी तजवीद की रात आ जाती है, यानी कि बेसिक्स जो है ना। देखें अगेन आप ना आप देख लें, आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपके चार बच्चे हैं, मुश्किल मुश्किल है वो सब चीजें, तो मैं शेख मोहम्मद शाह से बात करता हूँ, दे कैन डू समथिंग, ठीक है ना, दे कैन डू समथिंग अबाउट इट, उस पर किया जा सकता है। आप नंबर ले लें, मेरा नंबर ले लें, आप नंबर नहीं है आपका मसला, ये मैं मोहसिन साहब है ना, क्या नाम है, शहजाद खान, शहजाद मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको कैसे मैं आपका नंबर, ये बात खत्म करता हूँ, मैं वो जो कह रहा था ना कि वो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया है, ठीक है ना, सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया है कि आयत नंबर 84 समथिंग 85 उसमें आपको मिलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि भाई कि कभी भी आप जो हैं एक जो ना सलात जनाजा उस शख्स की ऑफर नहीं करेंगे जो हिपोक्रेट है, या वो हिपोक्रेट मर गया मुनाफिक, नॉट स्टैंड एट हिज ग्रेव, आप उसकी कब्र भी खड़े नहीं हो सकते, आप आयत नंबर जाके चेक कर लें, ठीक है ना जी जी। तो आपको पता चल जाएगा उसमें, तो कोई पॉलीथियस्ट है, कोई डिसबिलीवर है और हिपोक्रेट, तीनों के लिए यही हुक्म है, पॉलीथियस्ट डिसबिलीवर हिपोक्रेट। हाँ जी पॉलीथियस्ट मिलेंगे पाकिस्तान में, ठीक है, अल्लाह को भी मान रहे हैं, बाबा को भी मान रहे हैं, अरे अजीब काम कर रहे हो यार, ठीक है, बुधों के बुध बनाए, ठीक है ना, दरख्त को भी जाके मांग रहे हैं, ठीक है, और हिपोक्रेट ये सारे हमारे लीडर्स, ये दीज आर ऑल हिपोक्रेट, दीज आर ऑल दे आर ऑल हिपोक्रेट्स, यू नो व्हाई दे आर हिपोक्रेट्स, बिकॉज़ दे आर नॉट फॉलोइंग द कुरान, जो भी यहाँ पर एक हम एक नया वो लेकर आ रहे हैं, असेसमेंट्स नई आ रही है ब्रिलियम की जस्ट बिफोर द एग्जाम, अगर कोई हमारे स्टूडेंट है उनको तो ब्रिलियम असेसमेंट्स मिल ही रहा है, और अगर कोई सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियम असेसमेंट लेना चाहता है एग्जाम से पहले चेक करने के लिए कि मैं किधर कहाँ खड़ा हूँ क्या कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो है ना आपको मेरे ख्याल से दिशान भाई कब आप 15th of April कब लेकर आ रहे हैं? फैसल भाई ये जो ब्रिलियम की असेसमेंट है ना ये ऑलरेडी लॉन्च्ड हो चुकी है, हो चुकी है सारी, हाँ हो चुकी है, और इसमें हम अपना एग्जामिनेशन जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है इनके हवाले से हम असेसमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ असेसमेंट प्रिपेयर हो चुके हैं और वो अपलोड भी हो चुके हैं, उसकी मार्केटिंग जारी है, क्योंकि अभी तो अभी इतना ज़बरदस्त वो बात हुई है कि कैम्ब्रिज ने ये बात इंडोर्स कर ली है। आप फैसल भाई अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं एक डॉक्यूमेंट आपको ज़रा दिखा रहा हूँ, बड़ा प्यारा डॉक्यूमेंट है, आप जरा अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, एक मिनट दीजिए डॉक्यूमेंट खोल लूँ, कैम्ब्रिज का थ्रेश होल्ड जो आया है अपर सेकेंडरी का, जी ये देखिए ओ लेवल का ग्रेट थ्रेशोल्ड, ये देखिए जनाब ये ग्रेट थ्रेशोल्ड है 2021 का। अब मैं अगर इसको देखें तो ग्रेट थ्रेशोल्ड में इन्होंने मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री का जो ग्रेट थ्रेशोल्ड दिया है, इन्होंने कहा ए स्टार पे कोई भी बच्चा नहीं आया, देखिए
देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ग्रे ए स्टार डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इतना डिक्लाइन हो चुका है। वही चीज हम ब्रिलियम में बता रहे हैं कि जो है ना वो डिक्लाइन है, हो रही हैं चीजें, और हमारे असेसमेंट में जिन बच्चों ने ए और ए स्टार लिए हैं वो वही बच्चे हैं जिनके ब्रिलियम में 190 इस तरह के नंबर आए हैं। तो ये ब्रिलियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पर। ये हमारी जो है ना एकेडमी का एक खास चीज है। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी स्कूल्स हो गए या इंडिया बांग्लादेश में, बिकॉज वो स्कूल्स जो है ना दे आर देयर फॉर वन पर्पस एंड वन पर्पस ओनली, व्हिच इज टू केटर द रिच, अमीरों के लिए आप करें ताकि वहां से मरीम नवाज के बच्चे निकलें, जोरदारी के बच्चे निकलें, मैं शरीफ नहीं हूँ उसके बच्चे, ये सब ये वहाँ के लिए। उन्होंने तो पढ़ा भी नहीं, तो ऐसी पता नहीं फारे गए, दूसरे को पढ़ा दिया, वो भी इसलिए पढ़ लिया उसने कि उसके पैसे वैसे फेंके, उसने जाके पोलो शोलो खेल कर आगे वो काम करके आ गया, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला से पूछेगा कि भाई तुमने जवानी के साथ क्या किया, उन्होंने पोलो खेल रहा था, जबरदस्त, फरिश्ते बोलेंगे यार तुमने अपने ना वक्त के साथ क्या किया, मैं शादी में नाच गाना ये वो और अपने माँ बाप की करप्शन के लिए बहुत काम किया, जबरदस्त, ये मेरा काम था, ठीक है ना। अच्छा यार, फरिश्ते बोलेंगे बेहतरीन, तुमने माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, यार माल तो कमाया नहीं ना, माल तो लूटा मैंने, ठीक है ना। बिलाल भी ये बोलेगा भाई माल लूटा मैंने, ठीक है ना, मैंने तो माल लूटा है भाई, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ये फजल रहमान भी कह रहा होगा कि उस दिन वो झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, उस दिन वो झूठ नहीं बोलेगा, हाँ माल लूटा मैंने, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे भाई अच्छा माल कैसे खर्च किया, अयाशी, जबरदस्त, बेहतरीन, उड़ाया पैसे, उड़ाया ऐसे, उड़ाया इधर इधर ऐसे, जबरदस्त यार, और तुमने इल्म के साथ क्या किया, बोलेगा इल्म ये क्या चीज होती है, इल्म कुरान हदीस तुमने क्या क्या किया, यार इसका नहीं पता यार। वहां पर आके उसको जबरदस्त किस्म की ना इंशाल्लाह मतलब के पिटाई होगी। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और अगर हिदायत इनके हक में नहीं है तो अल्लाह ताला इनको बिल्कुल अदल के साथ इनको डील करे, और जो अल्लाह का अदल रहना बड़ा सख्त है, ठीक है। तो ये जो ब्रिलियम की असेसमेंट है ना, ये ऐसी है हमारी कि ये तमाम जो ना पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में लोगों के पास एक पूरा मौका मिल जाता है कि वो अपने बच्चों की असेसमेंट करवा सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ कहाँ पर खड़े। स्कूल्स पाकिस्तान में ये निकाम नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं, मतलब कि मालूम ही नहीं क्या करेंगे। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट यू नो दैट डिफरेंशिएट्स अस। प्लस हम तो आपके बच्चों को पहले से फ्यूचर के लिए तैयार करके लेके जा रहे हैं, वो इकराम है ना इकराम। 2018 में जब मैंने काम किया था उस टाइम मेरे पास आया था, 2019 में वो फ्रांस पहुंच गया, फ्रांस से जर्मनी चले गया 2020 में जब डिग्री खत्म की, 2021 से वहां 22 से काम कर रहा है, उसका PR कार्ड हो गया माशाल्लाह, ठीक है, इंडेफिनेट लीव हो गया उसका, अब यूरोपियन कार्ड है उसके पास, तनख्वाह बहुत बढ़ गई उसकी, मैं ना बोल नहीं सकता, ठीक है ना, इतनी है कि वो आराम से टेस्ला अफोर्ड कर सकता, चलो इतनी काफी है, ठीक है। अब तुम लोग जाओ सोचो टेस्ला की प्राइस कितनी है, क्या है, वो खरीद सकता है, ठीक है। देखो ये बच्चा है पंजाब का, ठीक है, दाढ़ी भी रख ली इसने माशाल्लाह, ठीक है, बाल वाल भी अब थोड़े से सीधे हो गए हैं, पहले टेढ़े मेढ़े बाल थे, ठीक है ना। सोहबत से ही होता है, सहाबा जो था ना सहाबा, वो सहाबा सोहबत से सहाबत यानी उनको सोहबत मिली, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम आपके बच्चों की पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो कामयाबी की तरफ जा सके। अब तो हम लोग ना अगले हफ्ते से इंग्लिश में भी बात कर रहे होंगे, जापानीज में भी, उसके अगले हफ्ते जापानीज चाइनीज सब जबान में जा रहे होंगे, यही मैसेज हम उनके वालदैन को दे रहे होंगे। आप लोगों के पास पूरा मौका है कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, सब कुछ करें, 97% वीजे के चांस हैं आपके बच्चे, 97-98 इतना हाई परसेंटेज है, यानी कि 100 बंदे अप्लाई करते हैं 100 के 100 को वीजा मिल जाता है, वो जो 3 को रोकते हैं ना वो उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है, इंटरव्यू भी नहीं होता, वीजा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ के जाएगा, सब कुछ करके जाएगा, तो बहुत आगे हो, बहुत आगे हो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। चलें, जज़ाकअल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिशान भी मुझे जरा कॉल कीजिएगा, यूसुफ आप भी कॉल पे आ जाइएगा मेरे साथ।